Okay, here we are live. Hello everyone, this is Arishita Gupta and I welcome you all on the platform of Unacademy. I hope you guys are doing great. I hope you guys are safe, you guys are happy, learning good, बहुत सारी मस्ती कर रहे हो, ठीक है? लेट्स स्टार्ट. आज का टॉपिक जो है बहुत ही डिफरेंट है और किताबों से हट के है, ठीक है? आपको रियल अर्थ दिखानी है तो आई थॉट लेट्स जस्ट स्टार्ट समथिंग विद अ न्यू टॉपिक विच इज़ नॉट इन योर बुक्स. दैट इज़ मैंशनड, ऑब्वियसली इट्स मैंशनड, बट उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का होने वाला है. बहुत सारे एनिमल्स के बारे में देखेंगे, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में देखेंगे एंड डेजर्ट कितने टाइप के होते हैं ये देखेंगे, ठीक है? बेसिकली आज का लेक्चर इज मस्ती वाला लेक्चर, आउट ऑफ योर बुक. मे बी नॉट इन योर सिलेबस बट इट्स इन योर, इट शुड बी इन योर माइंड एटलीस्ट, है ना? ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ. सिंस यू नो अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग, ठीक है? बहुत सारे कोर्सेज बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ अवेलेबल हैं. खूब सारी पढ़ाई कीजिए, ठीक है? आगे जाके कुछ अच्छा सा बन के दिखाइए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, ठीक है? नाउ दिस इज़ अ टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक, जिसके अंदर पर्सनल मेंटर, पेरेंट कनेक्ट, लाइव डाउट्स एंड दूसरे वाले सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स हैं. ओके, सो दिस वन इज़ माई फेवरेट एंड आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो फॉर इट. प्लस सब्सक्रिप्शन भी है, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू द कॉन्टेंट. नॉट टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है? 20-20 साल के एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स आपको मिलेंगे पढ़ाने के लिए एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट अन अकेडमी, एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी एजुकेटर्स. नाउ सिलेबस क्या क्या है? साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज के लिए आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, ठीक है? राइट, नाउ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप. एप्लीकेशन पर भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पढ़िए और अपने डेली नोटिफिकेशन लीजिए. क्लास में लेट मत होइए और टाइम पे क्लास दीजिए, टेस्ट दीजिए, क्विजेस दीजिए, बहुत मजा आता है एप्लीकेशन पे. टेलीग्राम पर भी आप यू कैन ज्वाइन. राइट, नाउ इफ आई टॉक अबाउट सब्सक्रिप्शन अ लिटिल बिट मोर, दीज आर द प्राइसेस, ठीक है? I would, if you have time, so I would recommend you to go for these because इसमें आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, ठीक है? अपना जो है सिलेबस अच्छे से रिवाइज करने में, सब कुछ करने में, राइट? सो 12 मंथ्स सब्सक्रिप्शन इज एंड 24 मंथ्स ज़्यादातर आप लोगों के पास नहीं होंगे, पर देर मस्ट बी समवन हु इज स्टार्टिंग द ईयर नेक्स्ट ईयर, है ना? मतलब कि 7th आप नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर रहे हैं, यू जस्ट वॉचिंग अभी. So you can take this 12 month and don't just freak out watching the prices. You can use my code ISHI10 and you will get a 10% discount. So your final prices are here, right? Okay, moving on. अब आ जाते हैं अपने syllabus पर या topic पर. That is geography का एक topic है. One of the landforms, deserts. Okay. वन ऑफ द लैंड फॉर्म्स है. डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स कौन सी होती है हमारी, बताओ फटाफट. प्लेन्स होते हैं, हेलो सक्षम, प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, ठीक है? माउंटेन्स होते हैं. माउंटेन्स का अलग से लेक्चर बनाऊंगी मैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर सुंदर आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे उसमें. प्लेन से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं ही ऑलरेडी, ठीक है? डेल्टास के ऊपर वी कैन ऑल्सो डिस्कस. द डेल्टा इज ऑल्सो अ ग्रेट टॉपिक टू स्टडी अबाउट, है ना? बहुत अच्छी चीज़ है, राइट? तो लैंडफॉर्म्स बेसिकली होते क्या है कि जो अर्थ है हमारी, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पे कुछ लेयर्स हैं, आप जानते हैं. फर्स्ट लेयर इज आर क्रस्ट, देन इट कम्स मेंटल, देन इट कम्स कोर, ठीक है? तो ऐसे ऐसे चलती जाती है. अब क्रस्ट के ऊपर सिर्फ हम लोग थोड़ी रह रहे हैं, हमारी और भी चीज़ें आसपास, जैसे कि माउंटेन्स हैं, ठीक है ना? रिवर्स हैं, ना रिवर्स कैसे बनाऊँ मैं, रिवर्स हैं, ठीक है? ओशियंस हैं,
राइट, ओशंस पर भी एक टॉपिक बनेगा, ठीक है, वो भी बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हम पूरा का पूरा जो है अंडर वाटर सर्वे करेंगे, ठीक है, पूरा घूम के आएंगे, जो नहीं भी गए हैं आज तक, किसी ने ओशन नहीं देखा वो भी देख लेगा। ओके नाउ, सो माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होती हैं, क्या डिफरेंस है माउंटेन्स और हिल्स में, सब पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा है। ज्योग्राफी तो इज इंटरेस्टिंग, ये व्हेन यू गेट टू सी योर अर्थ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। फिर आप कभी जाओगे कहीं तो यू विल नोटिस, अच्छा ठीक है दिस इज डेल्टा, ठीक है ये पहाड़ है, ये एक हिल है, यू कैन जस्ट डिफरेंशिएट, यू नो व्हाट आर प्लेन्स, यू नो व्हाट आर प्लेट्यूज, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू? What is the difference between a mountain and a plateau? यू गाइज हैव स्टडीड दिस इन सिक्स स्टैंडर्ड इट सेल्फ, पढ़कर आई होप, किसी को पता है तो बताओ फटाफट, अदरवाइज हम मैं बताती हूँ। ओके सी हियर, जो एक माउंटेन होता है इट हैज अ पीक, ठीक है, इट हैज अ पीक हियर, ये आपको चोटी दिख रही है जिसको हम शिखर भी बोलते हैं, ठीक है, शिखर हम हिस्ट्री में भी पढ़कर आए थे। आज 10 बजे हिस्ट्री का लेक्चर नहीं हो रहा है फॉर अ चेंज, ठीक है, आप लोग को आई वॉन्टेड यू गाइज टू आई वॉन्टेड यू टू गेट अ ब्रेक फ्रॉम हिस्ट्री, यू नो, वरना तुम पता नहीं क्या पक वक जाओगे और पढ़ोगे नहीं फिर, ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री से ब्रेक लेंगे, और ज्योग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, तो ज्योग्राफी को ही थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए थॉट। फिर हिस्ट्री में और कोई नई नई चीज़ें, फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, और टॉप 10 हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे, राइट राइट। ओके सो दिस इज अ माउंटेन विच हैज अ पीक, दिस इज अ माउंटेन, राइट। नाउ दिस दिस इज ऑल्सो अ रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑन अर्थ, काइंड ऑफ दिस, ठीक है, अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर, उठा हुआ है अर्थ से और काफी हाइट पे भी उठा हुआ है, बट इट डज नॉट हैव अ पीक, इसके पास ऐसी माउंटेन पीक नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड अ प्लेट्यू, इनके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। थोड़ा बहुत डेजर्ट्स देख ही लेते हैं, आप कहोगे तो मैम आपने डेजर्ट्स का टॉपिक लिख के आप माउंटेन्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, जस्ट लेट्स जस्ट मूव ऑन टू डेजर्ट्स नाउ, जस्ट अ सेकेंड, टाइटल शुड बी नीट एंड क्लीन, सो वी कम टू डेजर्ट्स, क्या क्या देखने वाले हैं डेजर्ट्स में, व्हाट इज अ डेजर्ट, डेजर्ट होता क्या है, टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, कितने तरीके के डेजर्ट होते हैं, एनिमल्स इन डेजर्ट, उन क्या कोई एनिमल्स भी रहते हैं डेजर्ट में, लाइक कैमल ही कैमल देखा है तुम्हें, आपको आज तुम्हें और चीज दिखाती हूँ मैं, ठीक है, प्लांट्स, प्लांट्स भी होते हैं डेजर्ट में, मैम आप तो गलत बोल रहे हो, प्लांट्स तो होते ही नहीं है, विल सी अबाउट इट, कैसे प्लांट्स होते हैं और कैसे प्लांट्स नहीं होते हैं। हाउ आर डेजर्ट्स इंपॉर्टेंट, डेजर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्ट्स अबाउट सहारा डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया, फैक्ट्स अबाउट थार डेजर्ट, हाउ डज अ कैमल मैनेज टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट, ठीक है, कैमल घूमता रहता है बेचारा, कैसे घूमता है वो, बाकी एनिमल्स क्यों नहीं घूम पाते और वो क्यों घूम लेता है, तो इससे रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी यू गाइज आई एम ऑडिबल, राइट, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली, टेल मी, लेट मी नो फास्ट, जस्ट से येस और नो,
Please let me know if I'm audible or not. Just a second. Yes, ma'am, audible. Okay. There are so many comments I couldn't read. I'm really sorry. Yeah. Okay, so hello, Shatakshi. I welcome you again. Zoya Khan, hello. Shatakshi, aaj 11:30 par class nahi ho payegi. Some reasons. Ma'am, mountain are bigger than plateau. Mountains are not bigger than plateau. Well, there can be a reason that they are bigger, but the main difference is they do not have a peak. Okay. No, Shatakshi, today at 11:30 I will not be able to take the class. Yes, Zoya Khan, correct. Ma'am, why are registered medical practitioners found in villages only? This is a civics question. I will discuss in the lecture of civics only. ठीक है. Okay. I couldn't see your messages. हाँ जी अंशिका, अभी ही क्लास स्टार्ट हुई है. ठीक है जोया, आई विल टेल यू द क्वेश्चन इन द सिविक्स क्लास. ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा. हेलो अंशिका, यस आई डू रिमेम्बर यू. हाय हर्ष, यस ऑब्वियसली आई रिमेम्बर यू. ओके, सो व्हाट इज अ डेजर्ट? डेजर्ट के बारे में बताइए. चलिए कुछ क्या होता है. आंसर फास्ट. व्हाट इज अ डेजर्ट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ डेजर्ट? पहाड़ होते हैं क्या डेजर्ट में? प्लेट्यूज होते हैं क्या? होता है डेजर्ट को हम दो नाम दे सकते हैं. एक तो बोल सकते हैं कि इट इज अ ओके नाउ. एक तो हम बोल सकते हैं कि डेजर्ट इज अ लैंडफॉर्म. ठीक है, एक तो ये बोला जा सकता है कि ये एक लैंडफॉर्म है. एक और चीज बोली जा सकती है जो हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी. करेक्ट जोया, वेरी गुड. डेजर्ट इज अ फैट पीस ऑफ ड्राई लैंड विद ड्राई लैंड कवर्ड विद सैंड. ग्रेट, वेरी गुड. ओके, वी कैन ऑल्सो से दैट डेजर्ट इज एन इकोसिस्टम. याद है हमने इकोसिस्टम पढ़ा था चैप्टर वन में. वी स्टडीड अबाउट इकोसिस्टम, राइट? कि कहाँ एक छोटी सी लोग जानवर और प्लांट जो अपनी छोटी सी दुनिया बना के उसी में रहते, राइट? या सैंड के अलावा भी बहुत कुछ होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है डेजर्ट अगर देखने कोई बताए हमें तो. ठीक है, सो डेजर्ट इज अ बैरन एरिया ऑफ लैंडस्केप. बैरन माने बंजर, जहां एग्रीकल्चर नहीं हो सकता. ठीक है, वेयर एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज बैरन. डेजर्ट इज अ बैरन एरिया ऑफ लैंडस्केप वेयर लिटिल और नो रेनफॉल, मतलब बहुत कम. ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं कि होती नहीं है, बहुत कम या फिर होती नहीं है. ठीक है, इधर वेरी लिटिल और नो रेनफॉल अकर्स ड्यू टू विच लिविंग कंडीशंस आर एक्सट्रीमली अनफ्रेंडली फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ. ठीक है, मतलब ऐसी जगह जो सबसे पहले तो बैरन है. क्यों बैरन है? क्योंकि वहां पर बारिश नहीं होती है. ठीक है, वहां पर या तो बारिश इतनी कम होती है
कि बहुत ज़्यादा कम, और प्लांट्स को उतनी सफिशिएंट नहीं होती, एनिमल्स को उतनी सफिशिएंट नहीं होती, या फिर होती नहीं है, दूसरा केस। तो वहाँ पे जो है एनिमल्स और प्लांट्स कैसे सर्वाइव करेंगे आप बताइए, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, सबको। यस जोया, वी विल कवर डेजर्ट टॉपिक कम्प्लीटली। हम देख रहे हैं डेजर्ट में क्या क्या, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, यस करेक्ट करेक्ट हर्ष। ओके सो यहाँ पे लिविंग कंडीशन जब प्लांट, एनिमल और ह्यूमन तीनों को जो है खाने के लिए, खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए और पीने के लिए भी चाहिए। पानी तो बहुत ज़्यादा लाइक मैंडेटरी चीज़ है ना, तो पानी, अंशिका मेंटी नहीं है अभी, क्विजेज जो है हम करेंगे एप्लीकेशन पर, ठीक है। लॉट्स ऑफ क्विजेज आर देयर, आई हैव प्लान्ड फॉर यू देयर, बट आज मोस्ट प्रोबेबली क्लास वहाँ पर नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ सम रीजन, आज यहीं पे यूट्यूब पे ही सुनो। ओके फाइन, तो लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा जो है स्केस है, ओके ना, राइट। नाउ दिस इज अ पिक्चर वेयर फोर टाइप्स ऑफ डेजर्ट यू कैन सी। नाउ सी, इट्स नॉट लाइक ऑलवेज गंदा दिखता है डेजर्ट, से सैंड होता है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर। सारे डेजर्ट्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, हाँ कि ना, सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जो बताओ फटाफट, सारे एक जैसे हैं, सारे अलग अलग हैं। एवरी पिक्चर इज डिफरेंट, है ना। तो ये चार टाइप के डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है, अर्थ पे। इन चारों की डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ दिस इज द वेरी फेमस, जिसको आप सबसे ज्यादा जानते हैं और आपको लगता है कि यही एक टाइप का डेजर्ट होता है, ठीक है। ये आप कहोगे मैम यहाँ तो पानी भी है, यहाँ तो बर्फ भी है, ये कैसे डेजर्ट हो गया, है ना, होता है, लेकिन देखेंगे आगे कैसे होता है। यहाँ पे भी तुम कहोगे मैम ये तो पानी भी है, यहाँ पे कैसे डेजर्ट हो गया, ये भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मैम प्लांट्स है, ये कैसे डेजर्ट है, ये भी देखेंगे आगे, राइट। लेट्स मूव ऑन, सबसे पहले देख लेते हैं हॉट डेजर्ट जो आपका फेवरेट है। और नाउ क्या क्या नाम है, सबसे पहला वाला जो था, सबसे पहले जिसमें सिर्फ और सिर्फ सैंड दिखाई देता है, दैट इज हॉट डेजर्ट, ठीक है। दूसरा सेमी, ओके एम आई ऑडिबल, प्लीज लेट मी नो। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, ओके ग्रेट, आई एम रियली सॉरी दैट वॉज अ पावर फेलियर, ओके सो इट स्टॉप्ड इन बिटवीन। ओके सो वी वर डिस्कसिंग, आवाज क्लियर है ना, कट वट तो नहीं रही है बीच में, इट्स क्लियर, ओके ग्रेट। नाउ हॉट डेजर्ट की पिक्चर अभी हमने देखी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है सैंड होता है, ठीक है, सैंड और सैंड, बहुत सारा सैंड, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में एनिमल्स और बहुत कम अमाउंट में प्लांट्स वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सेमी एरिड जो है, सेमी एरिड एक तरीके का डेजर्ट होता है जिसके अंदर आपको थोड़े बहुत प्लांट्स मिलते हैं, हॉट डेजर्ट से थोड़ा सा कम गर्म होता है, ठीक है। वहां की लिविंग कंडीशन जो है वो हॉट डेजर्ट से थोड़ी सी बेटर होती है। अब थोड़ी सी बेटर का क्यों बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे लोग रह नहीं सकते हैं, इंसान नहीं रह सकते, बहुत सारे जानवर नहीं रह सकते, लेकिन दीज आर एटलीस्ट बेटर देन दिस वन, इट हैज मोर प्लांट्स देन हॉट डेजर्ट्स, ओके। हॉट डेजर्ट में बहुत कम प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं और एक दो ही प्लांट्स आपको देखने को मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा।
कोस्टल डेजर्ट्स होते हैं जो ओशियंस एंड सीज के पास होते हैं. अब पूरा वो रेन वाला प्रोसेस मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है. और कोल्ड डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट्स आर द पोलर डेजर्ट्स, ठीक है, जो पोल्स पे होते हैं, जहां पे सिर्फ बर्फ होती है और कुछ नहीं होता है. ऑलराइट, अब उनको क्यों डेजर्ट बोला जाता है जब वहां पे बर्फ है? तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे बारिश नहीं होती है. ठीक है, बारिश होने के क्या क्या रीजंस हैं, कोई मुझे बताएगा? बारिश कैसे होती है, बताओ फटाफट, कैसे होती है बारिश? हाउ डज द रेन अकर? वाटर साइकिल में पढ़ा होगा आप सभी ने. इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन भी, दोनों जब हो जाते हैं तब बिल के अब इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन द कंप्लीट वाटर साइकिल, विच आई विल एक्सप्लेन व्हेन आई विल एक्सप्लेन द कोस्टल डेजर्ट. ठीक है, जब मैं कोस्टल डेजर्ट पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि यहाँ कोस्ट पे होने के बाद भी ये डेजर्ट क्यों है. ठीक है, ओके. आई एम रियली रियली सॉरी गाइज, दैट वॉज अगेन अ पावर फेलियर. देर वॉज नॉट अ नेटवर्क इशू, इट्स नॉट अ नेटवर्क इशू. ओके, द वाईफाई इज देयर, सो नो नेटवर्क इशूज आर देयर, बट द पावर फेलियर. ओके, इट काइंड ऑफ स्विच्ड ऑफ टू टाइम्स इन अ रो. आई डोंट नो, दिस डजंट हैपन रियली दैट मच, बट आई डोंट नो व्हाई इज इट हैपनिंग टुडे. ओके, आज इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है. Okay, yes. People kind of left, but anyway, I'll start. Now, hot deserts के बारे में हम पढ़ रहे थे. The climate is very hot. ठीक है, the climate is very hot. माने कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि वहाँ पे normal जो लोग, हम जैसे तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, राइट? और दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते क्योंकि इतनी harsh और scorching heat आती है ना, बहुत ज़्यादा. ठीक है, समर डे टाइम टेम्परेचर कैन एक्सीड 40 डिग्री सेल्सियस. 40 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है. लाइक दिल्ली में 30-35 रहता है व्हेन इट इज बहुत ज़्यादा, मतलब मई जून की बहुत गंदी गर्मी में भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो पाता. ठीक है, हाउएवर एट नाइट द टेम्परेचर कैन ड्रॉप बिलो 0 डिग्री. जिस दिन दिन में 40 डिग्री रहा होगा, उस दिन नीचे रात को 0 डिग्री सेल्सियस भी हो गया होगा. ठीक है, मतलब ऐसा सीन चलता है कि दिन में तो अथाह गर्मी, ठीक है, इतनी ज्यादा गर्मी, और रात को बहुत ज्यादा ठंड. ठीक है ना, एक्सट्रीम लेवल कोल्ड रात को. द क्लाइमेट इज वेरी ड्राई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेनफॉल. ये तो डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ा ही है. ठीक है, रेनफॉल नहीं होती इसलिए बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं. अब ये तो सारे डेजर्ट का कैरेक्टरिस्टिक है. दिस इज नॉट जस्ट द कैरेक्टरिस्टिक या फीचर ऑफ हॉट डेजर्ट ओनली. ठीक है, सारे के सारे जितने भी डेजर्ट्स होते हैं, सब 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 में रेनफॉल जो है नहीं होती या फिर बहुत कम रेनफॉल होती है. ठीक है, नाउ हॉट डेजर्ट्स हैव टू डिफरेंट सीजन्स, विंटर्स एंड समर्स. सो विंटर में टेम्परेचर जो है 20 से 30 डिग्री रहता है, एंड समर्स में आपका टेम्परेचर रहता है 35 to 40, इवन एक्सीड करता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है, फॉर ऑन एन एवरेज दे आर टेलिंग यू एवरेज टेम्परेचर ऑफ द डे एंड ऑफ द सीजन्स. ठीक है, इससे ज्यादा भी होता ही होगा क्योंकि 40, 35 to 36, 37 तक तो दिल्ली में ही हो जाता है गर्मियों में, है ना. तो हॉट डेजर्ट तो और ज्यादा गर्म होते हैं. कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं हमें हॉट डेजर्ट्स? दो आपके जो है लैटिट्यूड्स हैं, हमारे लैटिट्यूड समझते हैं. अर्थ के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन्स बनाई हुई है, बनी हुई है, लाइक इमेजिनरी लाइन्स है, असली में ड्रॉ नहीं की हुई है. ठीक है, सो ये जो है दो लैटिट्यूड्स हैं, इन दो लैटिट्यूड्स के आसपास ही आपको हॉट डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं. सो नंबर 1 इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नंबर 2 इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न.
ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है नीचे की तरफ. दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस थ्रू इंडिया, ये पता है आप सभी को, काइंड ऑफ यहाँ से जाता है राइट. तो ये वाली लाइन यहाँ पे पूरी आपको देखने को मिलेगी. क्या देखने को मिलेंगे? डेजर्ट्स, मोस्टली डेजर्ट्स. ठीक है, ये आपका हो गया साउथ नॉर्थ अमेरिका में, ये आपका पूरे अफ्रीका में पूरा सबसे बड़ा डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट इज इन अफ्रीका. तो देख लो कितनी सारी कंट्रीज इसने कवर की हुई है और कितना सारा एरिया इसने लिया हुआ है राइट. उसके बाद नामिब और कलाहरी डेजर्ट्स हैं, ये आपको छोटे छोटे डेजर्ट्स देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, ये जो है हॉट और कोल्ड के लिए लिखा हुआ है. ये ब्लू वाला जो है ये यहाँ पे जो है कोल्ड डेजर्ट है. ठीक है, ये कोल्ड डेजर्ट है आपका, यहाँ पोल्स पे कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं राइट. हॉट डेजर्ट आपको देखने को ज्यादातर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही मिलते हैं, जो कि ये रहा लैटिट्यूड. ठीक है, दिस इज द लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राइट. मूविंग ऑन, एनिमल्स इन हॉट डेजर्ट. अब हॉट डेजर्ट्स में एनिमल्स कौन से होते हैं? कितनी क्यूट सी दिख रही है ये, सच अ क्यूट फेस राइट. पर ये असली में इतनी क्यूट नहीं है. ठीक है, जितनी छोटी सी प्यारी सी ये दिख रही है ना, इतनी असली में है नहीं. ठीक है, इट्स अ डेंजरस एनिमल. ठीक है, इसका नाम है डेजर्ट फॉक्स. क्या बोलते हैं इसको? डेजर्ट फॉक्स. ओके हर्ष, ग्रेट न्यूज, 11 कंट्रीज ने जो है कवर करती है सहारा डेजर्ट. वेरी गुड, ग्रेट. ठीक है, ये आपकी प्यारी सी छोटी सी ऐसे देख घूरने वाली, इतनी प्यारी नहीं होती है, ये खा जाती है जी. ठीक है, तो ये इतनी ज्यादा क्यूट, इसको इतना ज्यादा क्यूट ना समझें, बहुत ज्यादा डेंजरस है राइट. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, नॉट दिस, सॉरी. नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं, जस्ट रीड द नेम, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन. माई गुडनेस, कितना मतलब डेथ स्टॉकर. आपने कभी स्कॉर्पियन देखा है? मैंने तो नहीं देखा है, मुझे देखना है एक्चुअली, मतलब दूर से देखना है, पास से नहीं. पास में आके काटे वाटे ना. ठीक है, आई हैव नेवर सीन अ स्कॉर्पियन, आई जस्ट वॉन्ट टू सी इट फ्रॉम अ वेरी फार, यू नो, डिस्टेंस. दूर से देखना चाहती हूँ मैं, अगर पास से देखने को मिले तो मुझे नहीं देखना है. ठीक है, तो डेथ स्टॉकर नाम है इसका. ठीक है, डेथ स्टॉकर, इतना खतरनाक नाम है. इसको देख रहे हो आप, ये एक बार आपके पास आ जाएगा ना तो हवा निकल जाएगी. सो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन डेजर्ट. आपको ये चीजें देखने को पता इसलिए नहीं चलती क्योंकि ये जमीन में रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, है ना. तो ये हमें पता ही चलता है कि अच्छा डेजर्ट में ये भी होते हैं, तो ये भी रहते हैं वहां पे. ठीक है, आप ऐसे चलोगे बिना कुछ पहने पैरों में तो फिर कर देंगे ये कांड, है ना. दूसरा आपका फेवरेट और सब मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारा कैमल भाई साहब, है ना. ये कैमल भाई साहब की एक हमने फोटो लगा दी है. अब ये कैमल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट एनिमल है क्योंकि लगभग यही एक एनिमल है जो डेजर्ट्स में हम यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग एंड ऑल के लिए. ठीक है, डेजर्ट्स अगर पास करने हो किसी भी रीजन की वजह से, छोटे मोटे लोगों को जो ट्रेडिंग करते हैं तो वो इनपे सामान रख कर या खुद बैठ कर कैसे भी करके जो है ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू डेजर्ट्स, क्योंकि कैमल जो है बहुत सारे दिन तक बिना खाना बिना पानी के रह सकता है. ठीक है, हम नहीं रह सकते लेकिन वो रह सकता है. ठीक है, क्यों रह सकता है वो आगे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे राइट. नाउ दिस इज अगेन, ये सारे हॉट डेजर्ट्स के बता रही हूं मैं आपको. ठीक है, ये आ गई आपकी आर्मेडिलो लिजर्ड. अब तुम कह रहे हो मैम आपने तो कार्टून लाके रख दिया है हमारे आगे. सो दिस इज नॉट अ कार्टून, ये असली में एक लिजर्ड है. ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ लिजर्ड जो कि बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा मुझे तो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही है. और मुझे तो नॉर्मल लिजर्ड से बहुत डर लगता है, फिर तो इसके तो फिर भी स्केल्स हैं. कैन यू सी, इट हैज स्केल्स ऑन अ बॉडी. ठीक है, अगर काटे बिना अगर सिर्फ आके पास में बैठ जाए ना, ऊपर बैठ जाए तो भी खून निकल जाएगा राइट. सो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रेप्टाइल्स हमें हॉट डेजर्ट में देखने को मिलते हैं. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि एक पर्टिकुलर डेजर्ट में, कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सहारा डेजर्ट में यही है,
ठीक है, थार डेजर्ट में यही है ये, लेकिन नहीं, हॉट डेजर्ट एक जनरल टर्म है, किसी भी गर्म डेजर्ट में आपको ये देखने को मिल सकती है। क्या नाम है इसका? आर्मडिलो लिजर्ड। क्या नाम है? आर्मडिलो लिजर्ड, राइट। अब आप किसी से पूछना कि डेजर्ट एनिमल्स के नाम बताओ, वो सिर्फ डेजर्ट ही बता पाएगा आपको, और आपके पास इतने सारे नाम हो जाएंगे। डेजर्ट फॉक्स है, आर्मडिलो लिजर्ड है, कैमल है, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन, आपके पास एक नाम हो गया बहुत अच्छा, राइट, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन, वाओ। अब प्लांट्स पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। प्लांट्स, ये तो हमारे डेजर्ट का फेवरेट बड्डी है, ठीक है। दिस इज द फेवरेट पर्सन कह सकते हो, किसका, क्या नाम है इसका? कैक्टस। देखा है कभी किसी ने कैक्टस? हैव यू एवर सीन अ कैक्टस? इफ यू हैव एवर सीन इट, या आप कभी देखो तो प्लीज टच मत करना, बिकॉज व्हेन आई वाज अ किड आई काइंड ऑफ टच्ड इट एंड इसके पूरे वो स्पाइक्स जो है वो मेरे हाथ में घुस गए थे बहुत तेज। और इसके बहुत फ्रैजिल भी होते हैं, निकल के कपड़ों वपड़ों में भी बहुत ज्यादा लग जाता है, फिर निकलते भी नहीं कपड़ों में से, बहुत इरिटेटिंग। बट दिस इज अ प्लांट विच इज प्रेजेंट इन हॉट डेजर्ट, ठीक है, राइट। इट ऑल्सो डजेंट नीड वेरी मच वॉटर टू सर्वाइव, इसलिए आपके ये डेजर्ट्स में मिलते हैं, ठीक है। नाउ फैक्ट ब्रेक आ गया हमारा, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट वर्ल्ड में कहां पर है? लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, एंड इट इज मेनली सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, कवरिंग बहुत सारी कंट्रीज में है अफ्रीका की। देखो मैं आपको मैप पे ले जाती हूँ वापस, दिस इज द मैप, राइट, दिस इज द सहारा डेजर्ट, एक सेकेंड, दिस इज द सहारा डेजर्ट, ठीक है। ये पूरा आपका अफ्रीका है, ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, और इस अफ्रीका में बहुत सारी चीजें इसने कवर कर रखी है, राइट। ये आपका यहाँ पे ऊपर यूरोप है, जिसके अंदर भी फिलहाल हमें कोई डेजर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ हमारे एशिया में एक और थार डेजर्ट है काफी बड़ा, जो कि इंडिया में है, राजस्थान में, ठीक है। सो सहारा डेजर्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट एंड इट कवर्स अ लॉट ऑफ कंट्रीज, ये छोटी छोटी कंट्रीज को कवर किया हुआ है, 1, 2, 3, 4 एंड ऑल ऑल ऑल, ठीक है। मूविंग ऑन, ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कहाँ पर है? सहारा डेजर्ट में। हार्म नहीं किया मुझे कैक्टस ने, इट वॉज माई स्टूपिडिटी टू टच इट, ठीक है। आई न्यू कि इसमें स्पाइक्स होते हैं, आई न्यू दैट, बट आई जस्ट वॉन्ट यू नो जस्ट मेक एन एक्सपेरिमेंट ऑन दैट। तो मैंने टच किया तो मेरी फिंगर्स में लग गया और मेरे कपड़ों पर बहुत ज्यादा उसके स्पाइक्स झड़ गए थे, तो आई हैड टू चेंज। सेमी एरिड डेजर्ट, सेकेंड टाइप हमारी आ जाती है, सेमी एरिड डेजर्ट। सेमी एरिड डेजर्ट जो होते हैं वो हॉट डेजर्ट से थोड़े से कूल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होती है, वहां पे लगभग नहीं होती बारिश, हॉट डेजर्ट में लगभग नहीं होती बारिश, लेकिन सेमी एरिड, रियली सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, सेमी एरिड डेजर्ट्स में होती है, ठीक है। सेमी एरिड डेजर्ट्स आर अ बिट कूलर देन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स, यहाँ तक समझ में आया? अभी तक जो हॉट डेजर्ट्स पढ़कर हैं उससे हल्के से कूलर होते हैं, ठीक है। देन द लॉन्ग ड्राई समर्स इन सेमी एरिड डेजर्ट्स आर फॉलोड बाय विंटर्स विद सम रेन, मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा समर्स रहती हैं, बारिश नहीं होती, ड्राई रहता है, लेकिन जब विंटर्स आती हैं तो थोड़ी सी जो है वो बारिश अपने साथ लेकर आती है, ठीक है, थोड़ी सी जो बारिश है वो लेकर आती है, इसलिए यहाँ पे थोड़े बहुत ज्यादा प्लांट्स होते हैं कंपैरेटिवली हॉट डेजर्ट से, राइट। सेमी एरिड ये कहाँ देखने को मिलते हैं? ये आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगे, ग्रीनलैंड में देखने को मिलेंगे, यूरोप में देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत एशिया में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स कौन से होते हैं सेमी एरिड में, देख लेते हैं। ओ माय गॉड, सच अ क्यूट रैट, देखे ये कार्टून फिगर लग नहीं लग रही है, इट्स लुकिंग लाइक अ कार्टून, राइट। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड अ कैंगरू रैट, ये कैंगरू रैट क्यों है? व्हाई इज इट कॉल्ड कैंगरू, चलो मुझे बताओ कमेंट्स में फटाफट, इसको नॉर्मल रैट क्यों बोल रहे हैं, इसको कैंगरू रैट क्यों बोल रहे हैं, इसकी कौन सा फीचर जो है वो कैंगरू से मिल रहा है, टेल मी, एक्सक्यूज मी,
बताओ फटाफट, व्हाई इज इट कॉल्ड द कैंगरू रैट? करेक्ट जोया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. इट हॉप्स एंड ऑल्सो सी हाउ इज इट सिटिंग, जस्ट सी हाउ इज इट सिटिंग. द लेग्स है ना, ऐसे बिल्कुल कैंगरू जैसे बैठता है. ओके फाइन रुमाना गौहर जमल जमाल, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली. ओके मैं क्वेश्चंस डेली लूंगी, लेकिन चलो ठीक है, आई विल कंडक्ट इट. ओके नाउ व्हाट इज द फीचर ऑफ कैंगरू इन देम? तो ये कूदते हैं, हॉप करना मतलब उछल उछल के चलना, ठीक है. और इनकी इनके बैठने का स्टाइल देखो, दो पैर पे बैठे हैं. नॉर्मली रैट जो है वो बिल्कुल पिचके हुए रहते हैं, ये देखो कैसे बैठा हुआ है, और इसके हाथ भी ऐसे बिल्कुल कैंगरू की तरह. नाउ इट लुक्स सो क्यूट, बट यू नो आई पर्सनली काइंड ऑफ डोंट लाइक रैट्स, बट इट लुक्स सो क्यूट. मूविंग ऑन, नाउ दिस इज अ स्कंक. व्हाट इज इट? अ स्कंक. कितना लाइक इसके टेक्सचर देखो, व्हाइट एंड ब्लैक, इट्स सो कूल. इट्स स्क्वायरल काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर है इसका, राइट है ना. ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सेमी एरिड डेजर्ट में देखने को मिलेगा. कहाँ? सेमी एरिड डेजर्ट में देखने को मिलेगा. नाउ ओ माय गॉड, मुझे रेप्टाइल से इतना डर लगता है. I am so scared. Yeah, skunk is not that much cute. I know. Skunk is kind of a cool boy. You know, वो black और white एकदम cool boy की तरह है. Now rat was cute. Now this, tell me if you feel this is cute. Say someone that this animal is cute. Tell me, is it cute? Or it looks like if you just go near him, it'll bite you. राइट ये इतना डरावना लिजर्ड है. राइट नाउ यू कैन सी सम प्लांट्स आर ऑल्सो हियर इन दिस, ठीक है. अगर ये नॉर्मल हॉट डेजर्ट में मिलती तो इसमें आपको प्लांट्स ही मिलते. द पिक्चर हैज प्लांट्स ऑल्सो, राइट. इट हैज हार्मफुल स्पाइक्स, करेक्ट. सी हियर, काटे 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 काटे, है ना. वी आई नो इट, आई वी शुड लाइक लव एनिमल्स. आई नो एनिमल्स आर ग्रेट, बट you know, दूर से. If you don't know the kind of the animal, like I can be near a dog, a cat, ठीक है, वो सब वो हार्म नहीं करेंगे. अब मुझे क्या पता ये काट लेगी कि नहीं काटेगी, है ना. तो ये इस टाइप के लिजर्ड भी आपको सेमी एरिड जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ देखने को मिलती है, ठीक है. आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन. इन सब भाई, इन भाई साहब से तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, राइट. ये भाई साहब तो बहुत ज्यादा फेमस है डेजर्ट में रहने के लिए, है ना. एवरीवन इज फेमिलियर विद अंकल स्नेक, राइट. ये जो है आपके सेमी एरिड में होते हैं. हॉट डेजर्ट्स में भी आपको स्नेक्स जो है देखने को मिलते हैं. सम ब्रीड्स ऑफ स्नेक्स आर देयर इन हॉट डेजर्ट्स एज वेल, ठीक है. तो आपके पास लिस्ट है, आप नोट करते जा रहे हैं कि नहीं नोट कर रहे हैं कि हॉट डेजर्ट में कौन से एनिमल, सेमी एरिड में कौन से एनिमल्स. डू नोट इट, ओके. नाउ स्नेक्स आर आल्सो देयर. नाउ स्नेक इज ऑब्वियसली डेंजरस. स्नेक को तो मेरे को देखना भी नहीं है, पर मैंने देखा हुआ है इन अ जू एंड स्नेक म्यूजियम समथिंग, नॉट म्यूजियम बट या देयर वाज समथिंग. No, I don't fear from monkey. Like, okay, fine, if it's sitting, I can, like, go, I won't go near him because he can also harm me. But fine, it's okay if it's sitting, it won't scare me. But if somewhere near snake is there, I will freak out, definitely. मैं भाग जाऊंगी वहां से, मुझे बहुत डर लगता है इन सब reptiles and also, I cannot stand near them. See, there's a thing called, एक strange चीज होने में, हम डरते उससे हैं जिसका nature हमें पता नहीं है. है ना, हम उससे डरते हैं जिसका नेचर हमें पता नहीं है. ओ इट्स ओके जोया, एवरीवन हैज फियर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है. मुझे उतना ज्यादा डर नहीं लगता मोंकी से, आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस, राइट. जिससे हम जिसका नेचर हमें पता नहीं होता ना, उससे ज्यादा हमें डर लगता है, ओके. मुझे टाइगर से भी ज्यादा डर स्नेक से लगेगा, क्योंकि आई नो टाइगर का ठीक है, वो
उसके पास जाएंगे तो वो खा ही जाएगा, इसका पता नहीं कैसे लिपटेगा, क्या करेगा पता नहीं क्या करेगा, ये तो दिस इज इरिटेटिंग. ओके फाइन, मूविंग ऑन, पढ़ाई करते हैं हम, ठीक है, ज्यादा बातें नहीं. ओके नाउ क्रिसॉट बुश, ये एक प्लांट है जो कि आपको सेमी एरिड डेजर्ट्स में देखने को मिलता है. क्या नाम है? क्रिसॉट बुश. याद है नहीं, बुश क्या होती है? झाड़ जिसको कहते हैं ना. तो द नेम इज क्रिसॉट या क्रेसॉट बुश, याद रखेंगे, नोट कर लो फटाफट, ठीक है, क्योंकि टीचर्स कैन आस्क यू कि अगर किसी ने आपसे बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, बताओ कितने टाइप के डेजर्ट होते हैं, तो आपको चारों पता होने चाहिए कि अच्छा भाई तुमने इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछा, मैं इंटेलेक्चुअल जवाब दूंगा. चार टाइप के डेजर्ट्स होते हैं, कौन से होते हैं? हॉट डेजर्ट, सेमी एरिड डेजर्ट जो कि जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, कोस्टल डेजर्ट और पोलर डेजर्ट. ये चार तरीके के हमारे डेजर्ट होते हैं. अब इनमें किस किस तरीके के प्लांट होते हैं, किस किस तरीके के एनिमल्स होते हैं, वो हम देख रहे हैं. राइट, मूविंग ऑन, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्लांट विच इज ऑल्सो देयर, जिसमें थोड़े थोड़े आपको फ्लावर्स भी दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है. ये फ्लावर्स विंटर्स में ही होते होंगे क्योंकि विंटर्स में ही रेन आती है. समर्स में इनको इतने ज्यादा ग्रीनरी देखने को नहीं मिलती है. इनका नाम है लाइसियम्स, ठीक है. व्हाट इज द नेम? लाइसियम्स, करेक्ट. ये आपके क्या है? लाइसियम्स है. और दीज आर द प्लांट्स फाउंड इन सेमी एरिड डेजर्ट में आपको देखने को मिलेंगे ये, ठीक है. प्लांट्स आई नो उतने ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ. थर्ड हमारे आ जाते हैं कोस्टल डेजर्ट्स, ठीक है. थर्ड हमारे आ जाते हैं कोस्टल डेजर्ट्स. वन सेकेंड, आई टेल यू. देखो बारिश कैसे होती है, एक नॉर्मल जगह हमारे यहाँ पे बारिश होती है, ये क्यों होती है और कैसे होती है? जो ओशियन वाटर होता है, जो सी वाटर होता है, वो इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, सन की हीट से इवेपोरेट होता है और ऊपर जाके कूल डाउन होके बादल बना लेता है, ठीक है. इवेपोरेट हुआ, वाटर वेपर बना, फिर ऊपर ऊपर जाते जाते उसका टेम्परेचर जो है वो कम होता गया, टेम्परेचर कम होता गया तो वो गैस से वापस लिक्विड बन गया, लिक्विड से उसने जो है क्लाउड फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है. क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, अब हवा आई और वो क्लाउड्स को सी के ऊपर से ले गई लैंड पे. अब बादल इतने ज्यादा भारी हो गए कि वो वाटर वेपर उतना ज्यादा कैरी कर ही नहीं पा रहे, तो उन्होंने छोड़ दी रेन. तो ऐसे लैंड पर रेन होती है, ठीक है. यहाँ पे विंड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, विंड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सी एंड ओशियंस, समझ रहे हो, है ना. सी कितना बड़ा होता है, कितनी सारी हीट पड़ती है, वो सारी हीट जो है वो उठती है और ऊपर जाके बादल बनाती है. अब अगर हवा नहीं होगी तो लैंड पे तो बारिश होनी नहीं चाहिए. अगर हवा नहीं हुई तो वो तो सी के ऊपर ही भारी होके सी के ऊपर ही रेन करते रहेंगे ना. हाँ, वाटर साइकिल, करेक्ट 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 करेक्ट. अगर हवा नहीं होगी तो जो सी के ऊपर क्लाउड बने हैं वो सी के ऊपर ही रह जाएंगे और वही बारिश होती रहेगी, तो हम तक पानी कैसे पहुंचेगा, राइट. ओके जोया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशियन? आई विल टेल यू. जो ओशियंस होते हैं वो सिर्फ हमारे टेक्निकली देखा जाए तो पांच हैं, ठीक है. वो पूरी अर्थ, सारे के सारे ओशियंस आपस में कनेक्टेड. आई विल टेल यू विद दैट मैप, यू विल गेट इट मोर क्विकली. सी, ये आपके यहाँ पे आपके ओशियंस हैं, ठीक है. यहाँ पैसिफिक है, यहाँ इंडियन ओशियन है, यहाँ एंटार्क्टिक ओशियन है, ठीक है. यहाँ पे आपके सारे ओशियंस हैं, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है. दे ऑल आर कनेक्टेड. इधर से आपके ओशियंस आपके मिल रहे हैं, ठीक है. सारे आपस में कनेक्टेड है, एक ही पूरी वाटर बॉडी है, उसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है. ये तो आपके हो गए ओशियंस और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं. नाउ व्हाट आर सीज? सीज आर द पार्ट ऑफ ओशियन. अब देखो ओशियंस जो है यहाँ पे होंगे मेन यहाँ ओशियन है पूरा, ये बड़े बड़े मैं सर्कल्स बना देती हूँ. दीज आर ओशियंस, खाली जगह पूरी, ठीक है. यहाँ भी ओशियंस. नाउ यहाँ देखो, यहाँ इंडिया के अंदर यहाँ पे बहुत सारी जगह है, ये खाली खाली जगह, ये जगह. अब ये जगह खाली तो नहीं होगी ना, हवा तो नहीं होगी, हवा नहीं होगी. यहाँ पे ये छोटी सी जगह है, यहाँ पे भी हवा नहीं है, मतलब हवा है लेकिन एरिया तो खाली नहीं है, तो लैंड होगा या पानी होगा, तो यहाँ पे पानी है. तो ऐसे जो छोटे कोने कोने में घुसे हुए चीजें होती है ना, एक कोने में घुसा हुआ पानी, ओशियन वाटर, दैट इज टर्म्ड एज सी, ठीक है. दैट इज टर्म्ड एज सी. समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओशियन एंड अ सी? सीज आर वेरी स्मॉल इफ कंपेयर टू ओशियंस, ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो, ये एक काइंड ऑफ बे है,
ठीक है, यहाँ पे आप ये कोने कोने में घुसोगे, यहाँ कोना कोना है, यहाँ अंदर देखो कितना कितना अंदर घुसा हुआ है. सो इनको इनको बोल देते हैं हम सीज, ठीक है. और ये बड़े बड़े जो पार्ट्स हैं ये सारे आपके ओशियंस में आते हैं. ओशियंस, एवरी ओशियन इज कनेक्टेड टू ईच अदर, और सी का छोटा सी जो है ओशियन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं. समझ में आ गया जोया? इज योर डाउट क्लियर नाउ? माई थ्रोट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स नाउ. Yes, yes, very great observation. The ocean part which is connected to the land. Great observation. Land से oceans भी connected रहते हैं, seas भी connected रहते हैं, लेकिन more जो है वो sea connected रहेंगे क्योंकि वो land part के ज्यादा close हैं. वो अंदर अंदर जो छोटे छोटे gulfs हैं, जो छोटे छोटे कोने हैं, उनमें भी वहां तक भी पानी पहुंचा रहे हैं, kind of. Right? So we were on coastal deserts. हाँ, so I was explaining you the water cycle. ठीक है, तो विंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जब सी और ओशियन से पानी इवेपोरेट होकर बादल बनाते हैं, तो विंड ही उन बादलों को लेके जाती है लैंड पे, फिर लैंड पे जो है बारिश होती है. ठीक है. अब तुम कहोगे कि मैम यहाँ भी बारिश होनी चाहिए क्योंकि यहाँ तो पानी है, ये भी पानी इवेपोरेट होगा और हल्के थोड़े थोड़े तो बादल हिलेंगे. अब वो बादल जो है यहाँ पे बारिश करेंगे, तो यहाँ पे मिट्टी क्यों है? सो रीजन ये है कि यहाँ पर हवाएं नहीं चलती हैं. ठीक है, यहाँ पे जो हवा बादलों को लेके जाएगी वो हवा नहीं चल रही है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही. जो बारिश हो रही है वो सी पे ही हो जा रही है. द रेन इज फॉलिंग अगेन ऑन द सी बिकॉज देर इज नो विंड. वो अगर विंड नहीं होगी तो बादल चलेंगे ही नहीं, बादल नहीं चले तो बारिश वहीं पे हो जाएगी. इसलिए ये लैंड तो बेचारा ड्राई रह गया ना, ये लैंड तो ड्राई ही रह गया. इस लैंड पे तो बारिश ही नहीं हुई, तो यहाँ पे हम क्या, ये भी एक डेजर्ट ही होता है. ठीक है, और ये सैंड कहाँ से आई? ये सैंड हमने अभी थोड़े दिन पहले जो ज्योग्राफी का चैप्टर किया था, डिपोजिशन हुआ है इस सैंड का. ठीक है, डिपोजिशन एंड इरोजन भी, वेदरिंग. ठीक है, थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं. कोस्टल डेजर्ट्स हैव मॉडरेटली ब्रीफ विंटर सीजन्स हूज टेम्परेचर आर 5 degrees एंड बिलो. मतलब कोल्ड होते हैं काइंड ऑफ. ठीक है, ग्रेट हर्श यू हैव मेंशन ऑल द ओशियंस, वेरी गुड. नाउ द समर टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 13 degrees टू 24 degrees सेल्सियस. मतलब उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है. यहाँ पे आपने देखा कि हॉट डेजर्ट में तो 40 degrees से भी ऊपर टेम्परेचर जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग आधा ही टेम्परेचर है ना वहां से. डिस्पाइट बींग नियर द वॉटर सोर्सेज दीज डेजर्ट रिमेन नोटेबली ड्राई बिकॉज मोस्ट प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द ओशियन. है ना, प्रेसिपिटेशन माने रेन, दिस इज रेन. सो सारी जो भी रेन है वो ओशियन में ही हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज देयर इज नो विंड. ठीक है, विद नेग्लिजिबल अमाउंट्स ऑफ मॉइस्चर रीचिंग द लैंड. ठीक है, हवा ही नहीं है तो फिर जो मॉइस्चर है, जो बादल है वो पहुंचेंगे नहीं. है ना, फॉर्मेशन ऑफ फॉग्स ऑफन ब्लैंकेट द डेजर्ट एंड ब्लॉक द सोलर रेज फ्रॉम रीचिंग द सैंड्स. मतलब कि वहां पे जो है फॉग बहुत ज्यादा हो जाता है. एक तो ठंड भी रहती है तो फॉग जो है वो फॉग हो जाता है. उसकी वजह से वो फॉग जो है काइंड ऑफ ब्लैंकेट क्रिएट कर देता है सैंड पे, और सूर्य की किरणें जो है वो नहीं पहुंच पाती है जमीन तक. ठीक है, दिस वॉज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अ कोस्टल डेजर्ट. अब कोस्ट पे है तो आपसे कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोस्ट पे है तो बारिश क्यों नहीं हो रही है. ठीक है, देखे ना क्यू एनिमल्स, देख लो क्या क्या होते हैं. देखो कोयोट्स करके एक एनिमल है जो कि आपको देखने को मिलेगा. इट लुक्स लाइक अ डॉग एंड अ फॉक्स मिक्सचर. है ना, ये मिक्सचर लग रहा है डॉग और एक फॉक्स का. ठीक है, नाउ दिस इज अगेन स्ट्रेंज. उतना ज्यादा डरावना नहीं है, बट इट्स लुकिंग लाइक मी लाइक दैट. सो अगेन मुझे डर तो लग ही रहा है. ठीक है, नाउ दिस इज बैजर्स, सो क्यूट. दिस इज क्यूट, वी कैन से दिस इज क्यूट, राइट? वी कैन से दिस इज क्यूट. Such cute hands, claws and everything, and it's hopping right now and the picture has been clicked, right? Badgers. Plants in coastal deserts. Plants कैसे कैसे होते हैं coastal deserts में, ये देख लो. Salt bush नामक एक जो है हमारी झाड़ होती है. I'm really really sorry for this throat, I'm irritated right now. Yeah, it's looking like a panda. It has a structure like a panda, right? Yeah. Why fog is formed there? That is a kind of a broad concept. So yeah, you'll learn it in further classes also. और अभी मैं समझाने बैठूंगी तो पूरा चैप्टर ही निकल जाएगा. ठीक है, बताएंगे आने आगे आने वाली क्लासेस में, राइट? Salt bush,
राइट. नाउ दिस इज वेल विच्सिया प्लांट. अभी कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई पेड़ काटा, उसकी पत्ती ऐसे रख दी है एक जगह. दिस इज एक्चुअली अ प्लांट. दिस इज एक्चुअली अ प्लांट लुकिंग लुक लाइक दिस, विच लुक लाइक दिस. ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ प्लांट. और नाम भी अजीब सा है इसका, वेल विच्सिया प्लांट. ठीक है, इसकी लीव्स ऐसी हैं, देखो. मुझे तो ऐसा लगा जब मैंने व्हेन आई सॉ दिस पिक्चर, आई थॉट किसी ने सफाई की है और कूड़ा इकट्ठा कर दिया एक जगह. इट्स लुकिंग लाइक दैट, है ना. बड़े बड़े पत्तियां जो होती हैं वो एक जगह इकट्ठी कर दी है किसी ने. दिस इज अ प्लांट. नाउ एग्जांपल ऑफ कोस्टल लिज़र्ड, ये आपको एक इमेज दिखाने के लिए कि कैसे होते हैं. नाउ कोल्ड डेजर्ट्स आई टोल्ड यू, जहां उधर भी बारिश नहीं होती है, लेकिन क्या रहता है वहां पे, देखो. दिस इज काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट. यू कैन सी देर इज नो विंड, नो प्रेसिपिटेशन. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ है. ठीक है, तो ये भी एक काइंड ऑफ डेजर्ट ही हो गया. यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी है, पानी होता है कोल्ड डेजर्ट्स में. ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल. नाउ ये देखो, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वहां 10 डिग्री रहता है. ठीक है, जो हमारी दिल्ली की सर्दी से भी कम है, मैक्सिमम सर्दी से भी कम. और वहां पे सबसे कम टेम्परेचर नोट किया गया है -88 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यहाँ पे मतलब ऐसी सिचुएशन में इंसान तो नॉर्मली तो जिंदा ही नहीं रह सकते. ठीक है, इतना ज्यादा कम टेम्परेचर, इतनी ज्यादा ठंड होती है यहाँ पे. ठीक है, देख लो, ये देखने से ही पता चल रहा है. एनिमल्स कौन से होते हैं? दिस इज माई फेवरेट एनिमल, पोलर बियर. इट अगेन लुक सो क्यूट. इतना होता नहीं है जितना दिखाई दे रहा है. ठीक है, इतना क्यूट होता नहीं है, लेकिन ये जो है इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है. जब इन्हें कोई अपना, इन्हें अपना प्रे दिखता है तो क्या करते हैं, मतलब इन्हें अपना शिकार दिखता है तो ये क्या करते हैं, बर्फ में से पूरा छुप जाते हैं ना, कैमोफ्लॉज, इफ यू नो दैट टर्म. छुप जाते हैं क्योंकि खुद भी व्हाइट कलर का है, खुद भी व्हाइट कलर का है, और जो स्नो है वो भी व्हाइट कलर की है ना, तो ये दिखाई नहीं देते किसको, जो भी शिकार इनका आ रहा होता है. तो जैसे इनके इसके पास आता है, इसको झपट के ये खा लेता है. ठीक है, नाउ दिस इज द फॉक्स. दिस इज काइंड ऑफ अ फॉक्स, राइट. इतना क्यूट, ये तो क्यूट है, तो सच में क्यूट है. आई कैन प्ले विद दिस ऑल्सो. नाउ दीज आर द पेंगुइन्स, यू कैन सी, आप सबको पता ही है. ठीक है, झुंड में रहते हैं ये. एंड दिस इज वाओ, द स्नो लेपर्ड. ठीक है, अब आप एनिमल्स बता सकते हैं बहुत इजीली कोल्ड डेजर्ट्स में कौन से रहते हैं. ठीक है, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? एंटार्क्टिक डेजर्ट है. ठीक है, देखो, हम लार्जेस्ट डेजर्ट करते हैं तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट तो ये है. ठीक है, मतलब ये सहारा से भी बड़ा एरिया है इसका, लेकिन सहारा जो है वो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, याद रखेंगे. यह जोया पेंगुइन स्टैंड लाइक ह्यूमंस. ठीक है, याद रखेंगे कि क्या पेंगुइन्स जो है, द पेंगुइन नॉट द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट. ठीक है, और लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एंटार्क्टिक डेजर्ट, बट इट इज कोल्ड. ठीक है ना, अगर आपसे हॉट डेजर्ट पूछा जाए तो आप सहारा लिखेंगे, अदरवाइज एंटार्क्टिक. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट आपका थार डेजर्ट है, विच इज सिचुएटेड इन राजस्थान. ठीक है, वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, पूरी दुनिया में 9th लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, और ये इंडिया और पाकिस्तान में एक नेचुरल बाउंड्री बना रहा है. ठीक है, 60% ऑफ इट लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सी हियर, ये आपके राजस्थान वाला पूरा, ये राजस्थान वाली स्टेट है पूरी. ठीक है, तो ये 60% जो है राजस्थान में लाई करता है, और ये पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री बना रहा है. ठीक है, दिस इज क्रिएटिंग द, थोड़ा सा पाकिस्तान में भी है, थोड़ा सा इंडिया में भी है. तो हमने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड कोई मूवी बनी हुई होती है तो उसमें जो बॉर्डर दिखाते तो बहुत सारा रेत रेत दिखाते, तो वो यही डेजर्ट है. ठीक है, दिस इज द ओनली डेजर्ट. क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, द थार डेजर्ट इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड. मतलब कि
आप जानते हैं कि डेजर्ट्स में लोग नहीं रहते, लेकिन कुछ कुछ लोग एक्सपेरिमेंट्स के लिए, कुछ कुछ लोग जिन्हें आदत है या कोई भी रीजन की वजह से एक दो लोग रहते हैं, लेकिन जो थार डेजर्ट है इसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं एज कम्पेयर टू एनी डेजर्ट इन द वर्ल्ड. किसी भी कंट्री के किसी भी डेजर्ट की हम बात करें तो उससे ज्यादा लोग रहते हैं थार डेजर्ट में. ठीक है, क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं, दैट्स अ टॉपिक विच विल कवर अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, इंडिया कैरिड आउट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन टेस्ट इन द थार डेजर्ट ऑन May 18, 1974. ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जब भी न्यूक्लियर हमने कोई वेपन बनाया है, अब वो सही बना कि नहीं बना ये टेस्ट भी तो करना है. तो टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट हम डेजर्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वहाँ टेस्ट करने का. क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम प्लांट्स, बहुत कम एनिमल्स जो है वो हार्म होंगे. ठीक है, तो इन्होंने, इंडिया वालों ने जो अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया था तो वो टेस्ट किया था कहाँ पे, थार डेजर्ट में. कब किया था, 18 May 1974. डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन सकता है जीके. ठीक है, जीके इज द ओनली रीजन आई एम कंडक्टिंग दिस लेसन, आपको एक बेसिक अपनी ज्योग्राफी पता चले. ठीक है, तो इंडिया कैरिड आउट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन टेस्ट इन द थार डेजर्ट 18 May 1974. ठीक है, एनिमल्स कौन से हैं. ठीक है, इंडियन वाइल्ड एस, एस इज अ ब्रीड ऑफ अ डोंकी. ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंट इन द थार डेजर्ट. ब्लैक बक आपको दिखाई दे रहा है, इतने कर्ली कर्ली इसके सींग हैं. ठीक है, इसने कर्ल करवा रखे हैं कर्लर से, ऐसा नहीं है इसके नेचुरली ऐसे हैं. ठीक है, ऐसा मत सोचना ही इट हैज कलर्ड इट. कैमल्स, नाउ हाउ डू द कैमल सर्वाइव, कैमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं. वन सेकेंड, ओ या दिस वाज, या दिस इज पर्पसली आई हैव लेफ्ट इट ब्लैंक. हाउ डू कैमल्स सर्वाइव. टाइम हैज बीन कंप्लीटेड बट आई विल टेल यू दिस. कैमल्स नंबर वन कैसे सर्वाइव करते हैं, सबसे पहले तो इट हैज लॉन्ग आई लैशेज. ठीक है, आई लैशेज क्यों हेल्प करती हैं, ताकि उसकी आंखों में जो है रेत वगैरह ना जाए. ठीक है, आई लैशेज बहुत लंबी लंबी आंख पलके होती हैं उनकी. ठीक है, क्यों, ताकि इनके आंखों में जो है रेत ना जाए. दूसरा, इट हैज पैडेड फीट. ठीक है, पैडेड फीट होते हैं ताकि जो इनके पैर हैं वो जमीन में धसे ना. थर्ड, ये इतने लंबे समय तक बिना पानी पिए कैसे रह सकते हैं, ये बहुत सारे लीटर एक साथ पानी पीते हैं. ठीक है, पानी पी सकते हैं और इट इज स्टोर्ड इन देयर हम्प, यू कैन से राइट. और ये खाना इनका कहाँ हो जाता है, फैट इज स्टोर्ड. ठीक है, इन देयर सेल्स राइट. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हाउ डू कैमल सर्वाइव, लॉन्ग आई लैशेज होती है ताकि जो हवा उड़ती है वो इनके उसमें ना जाए. और ऑल्सो इनके माउथ में बहुत जो है काइंड ऑफ स्केल्स होते हैं, स्पाइकी यू कैन से होते हैं. क्यों, क्योंकि जब ये बहुत ही कुछ कांटेदार कुछ इन्हें खाना पड़े बाय चांस तो वो बहुत इजीली चबा सके. ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज रियल, विच वॉज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो. ठीक है, सिंस द टाइम हैज बीन ओवर, वन सेकेंड या नाउ योर होमवर्क इज टू फाइंड आउट A detail about this topic. ठीक है, कभी हम डेजर्ट का नेक्स्ट लेक्चर अगर कंडक्ट करेंगे तो फिर हम ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ रिसर्च करनी है. ठीक है, रिसर्च ऑन दिस राइट. रिसर्च करो कि कहाँ था डेजर्ट में, किस लोकेशन पे हुआ था, किसने कंडक्ट कराया था, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये सब आपको पता लगाना है. ठीक है, Zoya ma'am, but it was important. See, I will tell you, usse pehle I gave you the homework. You have to make a research. Theek, you have to do a research. Aapko pura ka pura jo hai conduct karna hai aur pata lagana hai ki was it in Pokhran or Thar Desert. Uske baad mujhe batana hai ki kya hai. Theek hai? Okay. Now, ab yahi hum end kar dete hain class ko. Theek hai? Ye aapka homework hai. You have to research about this and please be really careful while doing it. All right? Okay, see you guys soon.
हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। आई होप सब लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, आप लोग सेफ हैं एंड अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं घर पे। बच्चों, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने मोशन एंड टाइम डिस्कस किया था, हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया था, कितने टाइप की स्पीड होती है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, मोशन किस किस तरह के होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिव्यू ऑफ द प्रीवियस क्लास ऑन मोशन एंड टाइम। बच्चों, मैंने आपको बताया था मोशन क्या होता है, एंड देन हमने बताया था किस किस तरह का मोशन होता है। उसके बाद हम लोगों ने अंत में ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो यस, लेट्स हैव सम एनर्जी टू डू ऑल दोस क्वेश्चंस। ओके, आई होप सब लोग रेडी हैं। तो प्लीज कीप अ पेन एंड पेपर हैंडी विद यू एंड वील सॉल्व सम क्वेश्चन इन टूडेज क्लास। ओके बच्चों, तो जैसे कि अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके पहले आई जस्ट सिंपली टेक यू थ्रू वाई यू हैव टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी। बच्चों, आप सब लोग को ये डाउट होता होगा कि ऑनलाइन यूट्यूब पे और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको अपने कोर्स से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मिल जाते हैं, आपको बहुत सारा रीडिंग मटेरियल मिल जाता है। बट देन एक क्वेश्चन हमेशा ही आपके दिमाग में आता है कि वाई टू टेक अ सब्सक्रिप्शन, जब आधा काम फ्री में हो जा रहा है तो सब्सक्रिप्शन लेने की क्या जरूरत है। बच्चों, तो अन अकेडमी बना ही इसलिए है कि आपको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम प्रोवाइड कर पाए और आपको एक बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, जहाँ पे आप अपने स्कूल का सिलेबस घर बैठे हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों, नोटेड, घर बैठे आराम से, एंड वी आर जस्ट अवे फ्रॉम योर क्लिक, वी आर जस्ट अ क्लिक अवे। ओके बच्चों, तो देखिए, ये हम लोगों ने जो आपके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया है वो स्पेशली सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करता है। तो जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, और जो सीबीएसई बोर्ड नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, सो मोर और लेस चैप्टर वाइज तो आईसीएसई सीबीएसई मोर और लेस सिमिलर ही है। तो बच्चों, आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो आप हमेशा किसी भी एजुकेटर का, आप अपने पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग आप वो टॉपिक चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट बोर्ड यू कम फ्रॉम, यू कैन ऑलवेज वॉच आवर लेक्चर्स। ऑलराइट बच्चों, तो चलिए, सो आई जस्ट सिंपली टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज प्रकृति कपूर। हेलो टू द न्यू वंस एंड अगेन अनदर हेलो टू द वन हु हैव प्रीवियसली जॉइंड। ओके बच्चों, चलिए देखिए, अन अकेडमी में क्या है ना, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे बच्चों ओरेटर्स कॉर्नर भी है, जहाँ पे आपको डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और ये सारी चीजें भी सीखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जिनको बुक रीडिंग में इंटरेस्ट है तो उनके लिए ब्लॉगिंग, मास और स्टोरी टेलिंग और ये इस तरह के भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसको आप सीख सकते हैं। बच्चों ऑल्सो जिन्हें मैजिक ट्रिक्स और म्यूजिक और फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है उनके लिए भी है हमारे पास कुछ। और बच्चों सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो हमारा सिलेबस तो कवर होगा ही होगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगा आपका। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर होंगी। ये उसके साथ एक आपको जो आप क्या होता है एक्स्ट्रा करिकुलर, तो फ्यू थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे यू विल गेट टू फाइंड रियली नाइस एजुकेटर्स, सारे ही बहुत एक्सपीरियंसड हैं और सारे बहुत एक बहुत ही फन वे में आपको पढ़ाते हैं, सो दैट आप बड़े आराम से अपना सिलेबस समझ पाएं और साथ के साथ जल्दी जल्दी आप अपना कोर्स भी फिनिश कर पाएं। ठीक है बच्चों, देखिए अभी सब्सक्रिप्शन के बारे में हम बात करते हैं। जो अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन होता है उसको लेना क्यों जरूरी होता है बच्चों? इसमें फायदा क्या होता है कि आपको लाइव सेशंस मिलते हैं आपके सारे सब्जेक्ट की, और वो भी रोज। ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं वीकली क्विजेस। और क्या होता है, जब क्विज होते हैं तो आपको उसके अलावा क्या होता है, आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी जरूरी होते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। और उसके बाद अनदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट यू विल डू विद अस, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी है। तो दीज आर जस्ट फ्यू टू नेम। ठीक है बच्चों, आपको क्या होता है कि आप एक लेजेंडरी फेस टाइम भी यहाँ पे अवेल कर सकती हैं, जहाँ पे आप अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ लाइक यू कैन जस्ट इंटरैक्ट फेस टू फेस और अपने लाइव डाउट्स को
सॉल्व कर सकते हैं, एज इन लाइव डाउट्स, मीनिंग जो आप पढ़ रहे हैं साथ के साथ अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आपका एजुकेटर इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू कैन ऑलवेज क्लियर योर डाउट दैट टाइम ओनली. ऑलराइट, इसके अलावा क्या होता है कि वी हैव वन स्पेशल पेरेंट कनेक्ट ऑल्सो, सो यू कैन गेट योर पेरेंट्स इन टच विद योर एजुकेटर सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड योर क्लास परफॉर्मेंस, दे कैन गेट टू नो अबाउट हाउ यू आर गोइंग थ्रू इन योर कोर्स. ऑल्सो बाकी जो आपके जितने भी वीकली परफॉर्मेंस होते हैं वो भी आपके पेरेंट्स हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं. ऑलराइट, देखिए बच्चों, आप अनअकैडमी को अपने घर पे बैठ के अवेल कर सकते हैं. आप अपने कंफर्ट जोन में रह करके सिर्फ अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप या आईपैड, वॉट एवर यू यूज, आप सब पे अनअकैडमी को विजिट कर सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं. बच्चों देखिए, आपको सब्सक्राइब करने में ये फायदा मिलता है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कोर्सेज का. आप अपने एजुकेटर्स भी पिक कर सकते हो अपने मन से. यहाँ पे कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इफ दिस इज अ कोर्स सो यू हैव टू फॉलो दिस एजुकेटर, बट देन डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू क्लिक, आपको जहाँ अच्छे से समझ में आए. हालांकि सारे एजुकेटर्स अच्छे से ही पढ़ा देंगे, बट ऑब्वियसली अगर आपको कहीं बेटर लग रहा है तो यू कैन ऑलवेज पिक योर एजुकेटर्स अपने चॉइस के हिसाब से. ओके, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस तो मिलते ही मिलते हैं, टेस्ट सीरीज भी है, आंसर राइटिंग सेशंस भी हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब के साथ साथ आपका पूरा जो एक सिलेबस होता है बहुत एक्सॉजिस्टिवली हम लोग कवर कर पाते हैं. आपको देखिए क्या करना होता है, देखिए बच्चों, आप प्ले स्टोर पे जा करके आप अपनी एंड्रॉइड, ऑल्सो iOS, यहाँ ये ऐप दोनों पे सपोर्ट करती है. सो आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा. बच्चों ये बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, तो आप बिना पेरेंट की सुपरविजन के आप इसको बहुत आराम से चला सकते हो. आराम से आप यहाँ इसको डाउनलोड करें. अगर आप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट सिंपली विजिट अनअकैडमी विद योर यूजिंग योर लैपटॉप. आप वेब ब्राउज कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा है कि अगर आप इसको अपने फ़ोन पे अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो बच्चों आज के आज जा करके इसको इंस्टॉल करिए. आई होप बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया है, बट जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ क्लास के बाद जाएँ, ज़रूर इंस्टॉल करें. ठीक है बच्चों, आप टेलीग्राम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप अपने एजुकेटर से कनेक्ट हो सकते हैं. आप रीडिंग मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा एंड देयर इज मच मोर टू इट. ऑलराइट बच्चों, देखिए अब आपको एक चीज मैं ये बताती हूँ कि हमारे पास मंथली सब्सक्रिप्शन पैकेजेस होते हैं. ऑलराइट, सो देखिए, दिस इज फॉर 1 month, दिस इज फॉर 6 months, दिस इज फॉर 12 months, दिस इज फॉर 24 months. बच्चों देखिए, फर्स्ट और 6 months का जो कोर्स होता है, this is usually beneficial for those who are doing a crash course. देखिए, crash course is basically for competitive exams. For those who have already prepared for it and they need a quick revision. But then आपको क्या करना होता है, आपका syllabus यहाँ पे काफी exhaustive होता है. तो मैं आपको हमेशा ये suggest करूँगी कि please go for this 12 month or 24 month depending upon your need. अच्छा देखिए, इसका एक पर मंथ आपको कॉस्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल इतना है, एंड देन नाउ यू कैन सी इफ यू अवेल दिस कोर्स, आई मीन इफ यू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर 12 month पैकेज, सो व्हाट यू कैन गेट, सी दिस इज ऑलमोस्ट दी हाफ ऑफ इट. ये देखने में तो लगता है बहुत बड़ा, बट देन पर मंथ कॉस्ट इसका काफी डाउन हो जाता है. ठीक है बच्चों, एंड देन आप अगर अपने मेंटर का एक ये प्रोमो कोड यहाँ एंटर करते हैं, आप अपने एजुकेटर का यहाँ प्रोमो कोड एंटर करते हैं, तो दिस इज लाइक अ स्मॉल गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू. ऑलराइट बच्चों, सो यस, सेंडिंग स्माइल्स योर वे. देखिए येट अगेन, अगर आप यहाँ पे हमारा प्रोमो कोड एंटर करते हैं जब आप पेमेंट करने जाते हैं, ये देखिए बच्चों, सो दिस इज 13,500. 15,000 का कोर्स, दिस इज फॉर 13,500. और सोचिए इसका पर मंथ कॉस्ट कितना ज़्यादा रिड्यूस हो जा रहा है. तो दिस इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन. आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए,
खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने बाकी फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स को भी बताइए, ताकि सारे लोग कैन हैव अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑन अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऐप। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। अच्छा देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था मोशन। वी अंडरस्टूड व्हाट मोशन इज, लाइक यू कैन से सी हियर, आई मीन ओके आई एम सो सॉरी। देखिए, पोजीशन का टाइम के साथ चेंज, ठीक है, उसको हम मोशन बोलते हैं। ठीक है, मूविंग और स्टेशनरी में डिफरेंस क्या है, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट क्या है, राइट? सो आपको मैंने एक चीज बताई होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिन्होंने प्रीवियस क्लास को अटेंड किया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट तरह के मोशन होते हैं, एक लीनियर होता है, सर्कुलर होता है, एक पीरियोडिक मोशन होता है। राइट, लीनियर मोशन जैसे कि हम डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करता है तो उसका मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन होता है। और उसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट इफ दे फॉलो अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो उसका मोशन क्या होता है, सर्कुलर। देखिए मेरी गो राउंड, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ सर्क्यूलर मोशन। स्प्रिंग एंड स्टोन का एग्जाम्पल मैंने दिया था, इलेक्ट्रिक फैन कैसे मूव करता है, राइट? तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। पीरियोडिक मोशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता हो, ठीक है, तो दैट इज नोन एज अ पीरियोडिक मोशन। बच्चे पीरियोडिक मोशन इज ऑलवेज अ वेरी लेंदी टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप अपने सीनियर क्लासेस में इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। सो यू विल गेट टू नो अबाउट द वेव फॉर्म, यू विल डू मेनी न्यूमेरिकल, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। But for here, for class 7th, we do not have this periodic motion in detail for you. But then we are just trying so that aapke kuch concepts yahan build ho jayen. So next classes mein you can always use these concepts. Okay? So these will be very, very helpful to all of you. Okay, bacho? Just hold on a second. और राइट बच्चों, और आपकी क्लासेस में क्या चल रहा है, आप अपने आपकी स्कूल कब से खुल रहे हैं, आप लोगों को कोई न्यूज़ है इसके बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और स्पेशली जिन्होंने प्रीवियस क्लास ये अटेंड कर रखी है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने प्रीवियस क्लास अटेंड कर रही है एंड नाउ यू आर ऑल सेट टू डू द न्यूमेरिकल्स। ऑल राइट, देखिए एक ही एग्जाम्पल होता है सर्कुलर मोशन का, रोटेशन, दूसरा एग्जाम्पल होता है रेवोल्यूशन, किसी एक्सिस के, फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसको हम क्या बताते हैं, रोटेशन, एंड देन इफ यू रिवॉल्व दिस वे दिस इज अ रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, अर्थ का। अब आप कह रहे हैं ये अर्थ का मोशन तो आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये लुक एट दिस, दिस इज सन, और सन के अराउंड यू नो कि अर्थ मूव करता है, राइट? एंड हाउ मेनी डेज डज इट टेक, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सन, तो दिस इज 365 डेज। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। ओके, अब देखिए जैसे अर्थ है, रिवॉल्व तो करता ही करता है लेकिन अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव करता है, राइट? तो एक्सिस के अराउंड मूव करने से क्या होता है, इट कॉजेस डे एंड नाइट, एंड व्हेन इट मूव्स अराउंड द सन रेवोल्यूशन लीड्स टू, जल्दी जल्दी बताइए बताइए भाई कमेंट सेक्शन में, वेदर चेंज यू कैन सी। ऑलराइट, सन से डिस्टेंस घटता बढ़ता रहता है बच्चों, इफ यू रिमेम्बर। ऑलराइट, सो दिस इज जस्ट अ क्विक रिकैप। येट अगेन देखिए, ये एक एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का, जिसमें क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने, जस्ट सी ये पेंडुलम का जो बॉब है, एक ये अपने मेन पोजिशन से एक एक्सट्रीम एंड तक गया, फिर यहाँ आया, राइट, और फिर ये यहाँ रुका, अगेन इट विल गो देयर, देन अगेन इट विल कम टू,
this mean position and then again this will go back, right? So to and fro motion jo ek hum yahan pe observe karte hain. So this is a periodic motion. Alright, so dekhiye, this is an example of periodic motion where this blade is just pulled. Just for example, if I take a blade in my hand or a tuning fork, if I pull it, what do you call that? Not air, but then if we pull it one side and if we leave it there and again it will come back to its original position. ठीक है बच्चों, बस मैं ये जल्दी जल्दी रिवाइज करा रही हूँ. We'll quickly get back to the questions. Alright, देखिए हम लोग rest और motion को compare कैसे करते हैं. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, ऑब्जर्व के अलावा हम इसको मेजर भी करते हैं. राइट, सिर्फ ऑब्जर्व करने से तो काम नहीं चलेगा ना. हर बार ऑब्जर्व, कभी आपको लग रहा है कि कौन स्पीड क्या है, आप देख के कुछ चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं बट आप एब्सोल्युटली नहीं बता सकते. ठीक है, देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक रिलेटिव कंटेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं. लाइक इफ वी आर सिटिंग हियर दैट वी आर स्टेशनरी, बट देन इफ आवर प्लैनेट अर्थ इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द अदर प्लैनेट, इफ समवन इज देयर ऑन अ डिफरेंट प्लैनेट, दे कैन से वी आर इन मोशन. ठीक है, तो ये कभी एब्सोल्यूट नहीं होता है, हमेशा रिलेटिव होता है. जल्दी से देखिए रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल, सर्कुलर का, रोटेशनल का, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल. ठीक है, देखिए एक ये लीनियर वे में फॉल कर रहा है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन. ये बॉक्स इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन. ये असेंबली में, मार्च पास्ट में, ये तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, आप स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए चलते हो, इसमें अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन. ठीक है, जल्दी से देखिए, ये कुछ मूविंग बॉडी के एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताए थे, ये कार का मूवमेंट, ये बर्ड का विंग फ्लैपिंग मूवमेंट, राइट. सो दिस फार्मर एंड बुल, दीज टू फ्रेंड्स, सो दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स. देखिए येट अगेन वन ट्रेन, द पर्सन राइडिंग अ बाइसिकल, एंड देन देयर इज अ मीटियर, सो मेनी थिंग्स हियर. देखिए जल्दी से, मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था, अब हम लोग बहुत क्विकली इसको रिवाइज करेंगे कि मोशन कभी एब्सोल्यूट नहीं होता है, क्या होता है, हमेशा रिलेटिव होता है किसी और बॉडी या ऑब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में हम बताते हैं. ठीक है, फास्ट और स्लो, राइट. आप जैसे कि कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है तो आप उसको किसके कंटेक्स्ट में बोलोगे, अगर आपको यदि उससे कम स्पीड वाला दिखे या उससे ज्यादा स्पीड वाला दिखे तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे, राइट, इसकी स्पीड ज्यादा है या कम है. ओके, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, किसी अनदर ऑब्जेक्ट की जिसके कंटेक्स्ट में हम बताते हैं. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने आपको जैसे कि एक्सप्लेन किया कि सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो एक किसी की पोजीशन को बताते हैं, रिलेटिव पोजीशन जिससे कि आप डिटरमाइन कर सकते हैं. आगे जाके आप लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे, वेलोसिटी कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है, स्पीड होती है बट उस स्पीड से एसोसिएटेड डिस्टेंस, आई मीन डायरेक्शन भी होता है, राइट. सो स्पीड कंबाइनिंग डायरेक्शन विल गिव यू वेलोसिटी. ठीक है, अभी आप अपने प्रॉबेबली नेक्स्ट क्लास में इस पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास आई मीन द नॉट क्लास विद अस बट देन नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. ठीक है बच्चों, देखिए आपको मैंने एग्जांपल पिछली क्लास में भी दिया था कि अगर आपको कहीं जाना होता है तो आपके उसको क्या चाहिए होता है, आपको वहां का डिस्टेंस चाहिए होता है और डायरेक्शन चाहिए, सो दैट वी कैन रीच टू द करेक्ट डेस्टिनेशन. ठीक है, ऑलराइट. देखिए मैंने जल्दी से एक ये छोटा सा एग्जांपल फिर से लेती हूँ. अगर ये दोनों पैसेंजर्स आपस में अगर हम इनकी बात करते हैं तो दे आर नॉट मूविंग, राइट, दे आर स्टेशनरी फ्रॉम द इनसाइड, बट इफ वी सी विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग बस, दे आर इनसाइड द बस. ठीक है, इनसाइड द बस दे लुक स्टेशनरी. ऑलराइट, एंड व्हेन वी सी व्हेन द बस इज मूविंग, these people will be in the state of motion. All right? So, आपको हमेशा ये याद रखना है कि relative terms होते हैं, absolute नहीं होते हैं, किसके context में बात कर रहे हैं ये भी हमें ध्यान रखना है. All right? Please chat को join करते जाएं, कोई भी doubt हो साथ साथ आप पूछते जाएं.
देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे मैंने आपको पहले एक बार फिर बता देती हूँ, यहाँ पे फिक्स्ड एक्सिस है, इसके अराउंड ये ब्लेड्स मूव कर रहे हैं तो ये क्या बोलेंगे, मोशन में है। लेकिन अगर ग्राउंड के कंटेक्स्ट में बोलें तो ये फिक्स्ड है तो क्या हुआ, ये स्टेशनरी। ठीक है, देखिए सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल है मेरी गो राउंड। और जल्दी जल्दी ठीक है, अब हमें क्या बेसिकली जल्दी से सीखना है, स्पीड क्या होती है। मैंने आपको पहले बताया मोशन हो रहा है या नहीं वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं ऑब्जर्व करके, लेकिन के बाद क्या होता है कि हम लोग उसको हमेशा मेजर भी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड देन मेजर करते हैं। ठीक है, मेजर हम लोग कैसे करते हैं, उसकी स्पीड से कि मोशन तेज है या धीमा है। ठीक है, स्पीड क्या होती है, इट इज अ मेजर और अ क्वांटिटी दैट रिफर्स टू हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कुड बी फास्ट और कुड बी स्लो। चलिए जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप फास्ट और स्लो किन किन चीजों में है, जल्दी जल्दी बताइए आपकी फेवरेट एक्टिविटीज क्या हैं। किसी को रनिंग पसंद है, किसी को साइकिलिंग पसंद है और किसी को वीडियो गेम्स पसंद है, तो ये करने का मौका मिलता है तो किस स्पीड से आप वो करने भागते हो। ठीक है, देखिए स्पीड क्या होता है, रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। हम लोग ये बहुत ईजी तरीका होता है मोशन को मेजर करने का, जैसे कि हम पता करते हैं कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, राइट। सो बेसिकली वी टॉक अबाउट हाउ मच डिस्टेंस, जितने ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर किया, लेस टाइम दिस इज फास्ट, मोर टाइम दिस इज स्लो, व्हेन वी से डिस्टेंस इज सेम। ठीक है, क्विकली विल गो अहेड। देखिए इस पिक्चर में आप गेस कर सकते हो कि यहाँ फास्टेस्ट कौन सा है, ग्रीन टी शर्ट, स्लोएस्ट कौन सा है, रेड। ओके बच्चों, सो देखिए सिर्फ देख के तो आप बता सकते हैं, लेकिन बट आप क्या करते हैं, आपको क्या करना है, इनकी स्पीड भी देखनी है। ये तो सिर्फ ऑब्जर्व आपने किया, बट क्या करना होता है, मेजर भी करना होता है आपको। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे कन्वीनियंट तरीका क्या होता है कि आप उसका You know, you have to compare the distance that is moved by them in unit time. All right, देखिए अब जल्दी से आपने ये बताया, मैंने example आपको मालूम होगा slow and fast का school में, right? Higher speed indicate that they will cover bigger distance in smaller time and vice versa. All right, देखिए units बहुत तरह तरह की होती है, miles, kilometers. These are the units for distance and then these are units for time and then speed is equals to distance upon time, so you can see here. Okay, miles per hour, you can see this way. Okay, mph इसको लिखते हैं, and then this is kilometer per hour, meter per hour, then meter per second. So standard international unit is meter per second. All right. देखिए येट अगेन दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड, वेयर वी इज द स्पीड, टी इज द डिस्टेंस, टी इज द टाइम। आगे आप टाइम में इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी पढ़ेंगे, राइट? वो अभी नहीं है, आपके प्रोबेबली नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा, सो देन यू विल गेट टू सॉल्व मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, सो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, राइट। हाउ टू रीड स्पीड, हम लोग कैसे रीड करते हैं, कार में क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है कि नहीं, राइट? सो दैट स्पीडोमीटर टेल्स अस द स्पीड। ओके, देन व्हेन वी से अ कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वी से दिस विल कवर 50 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, वी टेल अबाउट द डिस्टेंस एंड इट विल कवर इट इन 1 आवर। ऑलराइट, देखिए आपको ये बस बताना जरूरी है मेरे लिए एक चीज और, कि ये कभी कांस्टेंट नहीं होती है, राइट? जैसे कि आप कार स्टार्ट करते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ लोअर स्पीड देन इट एक्सेलरेट्स, राइट? सो दिस इज इट इज नॉट ऑलवेज दैट एनी पर्टिकुलर व्हीकल वी नीड टॉक अबाउट, इट इज गोइंग टू ऑलवेज ट्रैवल विद अ कांस्टेंट स्पीड, बट देन स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मोशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। ऑलराइट बच्चों, देखिए द आंसर, इफ यू चेंज योर रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, वी आर इन मोशन, अदरवाइज वी आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड वी आर स्टेशनरी। ठीक है, सिटिंग एट माय डेस्क
I'm at a rest and a stationary position. Need the respect to the other planets, we are in motion. Not just me, all of us. All right? चलिए एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्या होता है. अगर आप कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करते हैं तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पे क्या होती है, स्पीड इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट. और अगर डिफरेंट स्पीड से करते हैं तो यहाँ पे चेंज इन स्पीड. ऑलराइट बच्चों, देखिए मैंने आपको एक यहाँ पे ग्राफ एक्सप्लेन किया था राइट, कि 0 से 1 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, फिर टाइम के साथ अगेन इट कवर्स 10. यहाँ भी सेम गैप है और यहाँ पे भी सेम गैप है राइट. तो इट इज कवरिंग 10 किलोमीटर्स एंड द टाइम इज इन, लेट अस से इट इज इन आवर्स. ऑलराइट देखिए बच्चों, यहाँ पे एक ही यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है ये कार, लाइक हर आर में सेम डिस्टेंस. ओके, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. अब देखिए इसमें, देखिए 0 से 1 में ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है. देखिए यहाँ पे इस स्केल में यू कैन सी द डिस्टेंस ट्रैवल, इन दिस स्केल यू कैन सी टाइम इलैप्स्ड. ठीक है, देन अगेन यहाँ टाइम अगेन 1 to 2 हैज कवर्ड. Now you can see, right? Again, it has just covered 30 or 20 ke beech mein 10, 0 se 20 ke beech mein 10, right? See, they have covered 20 kilometers. Then, ye agar isko aap yahan pe jaake plot karenge, so it will come around. Alright, so then it covers 5 kilometers. And again, in this time gap, it is covering 5 kilometers, right? अब लास्ट के लैप में इफ ही वॉन्ट्स टू स्पीड अप, देन यहाँ पे स्पीड इंक्रीज की और इसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया. ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप समझ चुके हैं. ठीक है, मैं बहुत ये अगेन मैंने ये ऑलरेडी सबसे पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, बट फॉर दोज हु आर जॉइनिंग न्यू राइट, सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट ऑल ओवर अगेन. ओके, बट इट इज वेरी वेरी सेल्डम दैट यू नो वी सेल्डम फाइंड दीज ऑब्जेक्ट्स हु you know, move with the constant speed for long duration of time. But then it is always changing and it is non-uniform in nature. ठीक है बच्चों, एक ये term average speed और speed अक्सर interchangeably use होता है, but जब भी हम कभी बात करते हैं किसी speed की car के, तो we basically tell about the average speed. Okay? और जब जैसे कि हम लोग speedometer में देखते हैं, if you see a certain speed, so basically that is instantaneous speed, कि उस particular इंस्टेंट पे आपकी कार की स्पीड क्या है. ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपकी एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है. बट देन इफ वी से अ कार स्पीड इज लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर, राइट, सो दिस मीन्स कि एक आवर में, दैट इज इन 1 आवर, इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है. जल्दी जल्दी थम्स अप देते जाइए. हेलो 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 एवरीवन. ओके, बोर हो रहा है कौन कौन? बोर होने की जरूरत नहीं है, हम लोग कल मेंटी भी लेकर के आने वाले हैं और आज कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, तो बोर मत होइए, एनर्जेटिक रह करके पढ़िए. मुझे भी बहुत एंथुजियाज्म मिलता है इफ यू ऑल आर यू नो एनर्जेटिक इन द सेशन. ठीक है, देखिए मैक्सिमम और एवरेज स्पीड देखिए डिफरेंस होती है. मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, जो मैक्सिमम स्पीड दैट पर्टिकुलर व्हीकल कैन रीच, राइट. बट हमेशा ऐसे नहीं होता है कि लेट अस से फॉर किसी कार की स्पीड 200 किलोमीटर पर आ रहा है तो आप हमेशा वो 200 पे नहीं ड्राइव करते हैं, राइट. तो एक एवरेज स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं कि इफ पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर कार ने कवर किया है तो एवरेज स्पीड उसकी पूरी जर्नी में कितनी रहती है. ऑलराइट, देखिए अब एवरेज तो आप सबको लोगों को पता ही होता है ना, सम ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स. देखिए ये क्लास की रैंक निकालने के लिए व्हाट डू वी डू, ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक साथ में छोटा सा क्विज दिया था, आप लोगों से एवरेज स्कोर निकाला था, तो इट अप्रॉक्स केम टू 48 एज फार एज आई रिमेम्बर. ऑलराइट,
देखिए इसी की तरह हम लोगों को अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखिए इसमें आपका टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10, व्हाट वी विल डू, 20 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10, हाउ मच दिस, 40 एंड वी हैव 4, सो हमारी स्पीड कितनी आई, 10 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, सो ये हमारी एवरेज स्पीड होती है। अभी आगे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के। देखिए टाइम को हम लोग पहले कैसे मेजर करते थे, सन डायल यूज किया जाता था, बट अब तो स्मार्ट वॉचेस का टाइम है, सो दिस इज नाउ रिडंडेंट। बट देन प्रीवियसली जब हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, तो देखिए ये सनलाइट को यूज करते हुए, देखिए इस पे कैसे शेडो बन रही है, तो हमारे जो एंसेस्टर से इस शैडो को देख के टाइम को प्रिडिक्ट करते थे। ओके, सन डायल आप लोगों ने देखा होगा, देन देयर इज दिस, व्हाट यू कॉल दिस, दिस वन सैंड टाइमर, यू हैव सैंड फिल योर एंड देन सैंड फॉल्स, और दिस इज फॉर अराउंड 1 मिनट और सो आई गेस। सो आई थिंक दिस इज यूज फॉर गेम्स और समथिंग, बट देन आई एम नॉट टू श्योर इफ सन डायल्स आर स्टिल यूज, दिस इज अ थिंग ऑफ म्यूजियम नाउ। ऑलराइट, देखिए पहले क्या होता था कि हम लोग विजुअल परसेप्शन से देख के बता सकते थे कि ठीक है, अभी भी आप बताते हो कि डे का क्या टाइम हो रहा है, जैसे कि सन का जो आप सनलाइट देखते हो उसको आप देख के बता सकते हो, राइट, लुक एट द स्काई, यू कैन जस्ट सी कि दिस इज प्रोबेबली मॉर्निंग स्काई, ऑलराइट, एंड दिस इज लुकिंग लाइक दिस इज एन इवनिंग स्काई, राइट, सो यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट दैट टाइम, आई मीन द टाइम ऑफ द डे एक्चुअली, कि डे का कौन सा टाइम चल रहा है, डजंट नो विच पार्ट ऑफ डे इट इज, बट देन वी कैनॉट जस्ट एग्जैक्टली से द टाइम, वी कैनॉट कंक्लूसिवली एंड एक्यूरेटली टेल द टाइम बाय जस्ट लुकिंग एट द स्काई, राइट। सो हम लोग टाइम को कैसे मेजर करते हैं, जैसे ईयर्स में, डेज में, मंथ्स में, ठीक है बच्चों, और डिफरेंट जैसे कि हमें क्या मेजर करना है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस टर्म को यूज करते हैं। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूँ आपकी एज क्या है, ठीक है, आई होप कोई ऑफेंड ना हो, बिकॉज हमेशा ये कहते हैं ना कि एज नहीं पूछते, बट देन अगर हमें अपनी एज बतानी है या एज पूछनी है, तो बेसिकली आप उसको किस चीज़ों में एक्सप्रेस करते हो, डेज में थोड़ी एक्सप्रेस करोगे, राइट, तो यू वी एक्सप्रेस इट इन ईयर्स, लेट्स से इफ समवन इज 8 year old, अनदर वन इज 5 years old, ओके, तो दीज आर बेसिक बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम, right, so we express it in units, right, just imagine if someone asks you ki okay how many what's your age, so you will not tell I am like 1000 days old, all right, so we say year, all right. dekhiye aapko malum hai ki sun hamesha morning mein rise karta hai aur next morning tak ka jo time hota hai we calculate is one day, all right. dekhiye revolution ka kya hota hai, earth ek revolve karne mein 365 day lagata hai, usko hum log pura kya bolte hain, ek saal bolte hain. अब देखिए हम लोगों ने रिवीजन तो बहुत ज़्यादा कर लिया है, ये सब चीज़ें हम लोग बता चुके हैं कि टाइम को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, कि टाइम की यूनिट्स क्या है, हम लोग क्लॉक यूज़ करते हैं, और माइक्रो सेकेंड्स क्या होते हैं, नैनो सेकेंड्स क्या होते हैं, दीज आर इवन लेस देन अ सेकेंड्स, दीज आर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ठीक है, see this is 1 millionth of a second, this is 1 billionth of a second, so can you just imagine how small this time duration could be, all right. Second is just if you just blink your eye then you could count 1 second, but then just imagine 1 millionth of your eye blink would be such a, like aap apne regular eye se to isko observe hi nahi kar sakte ho, okay bachcho. देखिए स्टार्स और प्लैनेट्स की जो एजेस होती हैं वो एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ इयर्स, कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ टाइम, यू नो इट इज अ बिग रेंज दैट वी हैव टू डील विद, यू नो 1 millionth ऑफ अ सेकंड एंड देन इमेजिन बिलियंस ऑफ इयर्स, इज सच अ बिग रेंज, ऑलराइट। देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हम हमेशा फॉलो करते हैं, तो टाइम की स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सेकेंड्स होती है, ठीक है, जैसे जैसे जो हमें डिफरेंट यूनिट को हम लोग यूज करते हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार, डे को 24 आवर्स होते हैं, 1 hour में 60 minutes, 1 minute में 60 seconds, सो आई बिलीव ऑल ऑफ यू नो ऑल ऑफ दिस ऑलरेडी, ठीक है। मेजर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि टाइम के डिफरेंट मेजर्स होते हैं, राइट, 7 days वन मेक अ वीक, 15 days विल मेक अ फॉर्टनाइट, 28 एंड 31 days विल मेक अ मंथ, बताइए बताइए 28
किस कौन से मंथ में होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए. एनीवे आई एम जस्ट गेट राइटिंग द आंसर, आई एम टू इंपेशेंट राइट नाउ. ओके, सो डेज आर इधर 30 and 31st डिपेंडिंग अपॉन व्हाट मंथ इट इज. 3 months विल मेक अ क्वार्टर, 6 months मेक सेमेस्टर, 12 months फॉर्म एन ईयर. अब बट भाई अभी तो आप स्कूल में हो, कॉलेज जाओगे तब सेमेस्टर का रियल चीज आपको समझ में आएगा. ओके, सेंडिंग स्माइल्स योर वे. देखिए 2 years विल फाइन अ बाइनियम, 10 years विल फॉर्म अ डेकेड, 100 years विल फॉर्म अ सेंचुरी, 1000 विल मेक अ मिलेनियम. देखिए अब एक चीज ये भी आती है, ये तो सेकेंड से बड़े हैं सारे, यू नो दीज आर बिगर देन सेकेंड्स. ओके, दीज थिंग्स आर, ठीक है. अब ये क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के ही सेकेंड्स होते हैं, 1 billion, 1 million, thousands. So these are so, so small. कैमरा की शटर स्पीड इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. देखिए दिस इज टू 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 स्मॉल, कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ स्मॉल दिस टाइम फ्रेम वुड बी. देखिए हम लोग स्पीड को देखते कैसे हैं, येट अगेन अब हम लोग आते हैं फिर से स्पीड पे. हम लोग जो टॉपिक मेनली डिस्कस करना चाह रहे थे, सो वी वॉन्टेड टू डू सम क्वेश्चंस ऑन स्पीड. प्रीवियसली ये तो सब रिविजन चल रहा था, तो जिन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड करी होगी उनके लिए एक रिविजन था. बट देन जो नए व्यूअर्स हैं, जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, सो उनके लिए भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. आई होप मैंने सारी चीज़ें जो जो कवर की हैं आप लोगों ने समझ पाए हो. आगे हम लोग इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन सीखते हैं, ठीक है बच्चों. स्पीड जैसे मैंने आपको क्या बताया, स्पीड क्या है, इट्स अ मेजर ऑफ मोशन. मैंने आपको क्या बताया, मोशन को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. एंड देन सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं, मेजर भी करते हैं. ऑब्जर्व तो आपने आंखों से कर लिया, काम खत्म. उसके आगे क्या होता है, मेजर. मेजर हम लोगों ने कैसे करना है, उसको स्पीड के फॉर्म में करना है. और स्पीड को मैंने आपको कैसे बताया, क्या हम लोग करते हैं स्पीड कैलकुलेट करने में, वी सी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाय अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, राइट. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन एंड कैलकुलेट स्पीड, राइट. ओके, आपने अक्सर जैसे कि व्हाइल यू आर ड्राइविंग अ कार, आई होप यू आर नॉट ड्राइविंग अ कार बिकॉज आप सब लोग 18 इयर्स के कम हो एंड लीगली यू आर नॉट परमिटेड टू ड्राइव. बट देन ओके, ऑनलाइन गेमिंग एंड देन इफ समवन एल्स इज ड्राइविंग यू, होपफुली दैट इज द केस. बट देन आप यहाँ पे कार के डैशबोर्ड पे हमेशा एक स्पीडोमीटर देखते हो, राइट बच्चों. देखिए ये क्या होती है, जीरो, एंड दिस इज, लेट्स से दिस इज 240. तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि दिस इज द मिनिमम स्पीड, दैट इज द जीरो, दैट टेल्स द दैट इट इज नॉट इन मोशन. यहाँ पे मोशन एब्सेंट नहीं है, राइट. बट जब जैसे ही आप फर्स्ट गियर में आते हो, फर्स्ट गियर जैसे कार की आप पुट करते हो, राइट, तो स्लोली कार क्या होता है, मोशन में आती है, उसकी रिलेटिव पोजिशन चेंज होती है, ठीक है. तो स्लोली स्लोली इट चेंजेस, इट्स 20, देन इट इज 40, देन इट इज 60, then 80, then 100, so it reaches, it follows a gap of 20, all right. So when we say 240, right, so this is the maximum speed that this car can attain. ठीक है, इज इट क्लियर. लेकिन जब हम इस पे स्पीड देखते हैं, सो वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है. जो स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर जो हम बात करते हैं किसी भी मोमेंट पे, दैट टेल्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है. इज इट क्लियर. बट देन पूरी जर्नी में जो स्पीड रही उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए. वी कॉल इट एवरेज स्पीड. ओके, ऑलराइट ऑलराइट, सब लोग आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में एक एक हाई ड्रॉप करिए. हेलो हेलो, हाय एवरीवन. Those who are watching for the first time, big warm welcome to you.
those who are watching and following, a big thank you to you. ठीक है, अनदर एक देखिए बच्चों, एक ये चीज़ आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी व्हेन वी मे बी हियर पीपल से कार की रीसेल के बारे में, जब हम लोग बात करते हैं ना, स्पेशली तब हम लोग ये कहते हैं कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर कर रखा है, ठीक है, कितने दूर तक चली है, कितने हज़ार किलोमीटर तक कार चल चुकी है, राइट. सो वो डिस्टेंस अगर उसने जितना कवर किया होता है उसके हिसाब से कार की रीसेल वैल्यू कैलकुलेट होती है. बट देन बच्चों देखिए, हम तो स्पीडोमीटर में सिर्फ इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करते हैं. एक स्पीडोमीटर के अलावा भी वी हैव वन मीटर, दैट इज कॉल्ड द ओडोमीटर. ठीक है, ओडोमीटर टेल्स यू द डिस्टेंस कवर्ड. तो सिंस द जब से कार आपकी चलती है, राइट, सिंस द फर्स्ट ड्राइव, जितना भी डिस्टेंस कार कवर करती है इसमें हमेशा ओडोमीटर में वो इंटीग्रेट होते जाता है, एड अप होता जाता है फर्स्ट टाइम से, राइट. जब कार एकदम आप स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डे जब ड्राइव करते हैं, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया उस दिन, एवरी टाइम यू ड्राइव द कार एंड एवरी स्टेप दैट द कार हैज एक्चुअली कवर्ड, राइट. सो एवरीथिंग गेट्स इंक्लूडेड एंड देन it is added up with the help of this meter, that is called the odometer. So it tells the distance covered, total distance covered. All right, राइट बच्चों, चलिए जल्दी से और आगे बढ़ते हैं. ओके, सो अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल. सो आप जितने लोग सीबीएसई बोर्ड में हैं, तो आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, राइट. सो बट बच्चों कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए, व्हाट रेफरेंस बुक्स यू आर फॉलोइंग. आपको डाउट होता है तो थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, प्लीज बताइए. आई एम सेंडिंग बिग बिग स्माइल टू यू ऑल. प्लीज आप अपने रेफरेंस बुक का नाम बताइए. सो व्हाट वी कैन डू, मे बी इन द कमिंग क्लासेस वी कैन यू नो पिक अप क्वेश्चंस फ्रॉम योर रेफरेंस बुक ऑल्सो. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वी आर जस्ट कवरिंग एंड इन दिस क्लास ऑल्सो वील कवर द एग्जाम्पल्स एंड द क्वेश्चंस, द बैक क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी. बट देन बच्चों जो आप रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, आप प्लीज उसका भी मुझे नाम बताइए, सो मैं उसको भी फॉलो करती हूँ. आई इनकॉर्पोरेट देयर क्वेश्चंस आल्सो. ऑलराइट, देखिए बहुत से बच्चे अगर आप लोग स्कूल जाते हैं, तो आपका स्कूल अक्सर क्या होता है, मोस्टली दूर होता है आपके घर से. बट देन देयर आर केसेस व्हेन द स्कूल इज नॉट टू फार. सो व्हाट ऑप्शन डू वी हैव, राइट, वी साइकिल टू स्कूल और वी वॉक टू स्कूल. बट आई वुड हैव लव टू साइकिल टू माई स्कूल, बट देन आई नेवर गॉट अ चांस, माई स्कूल वॉज टू फार फॉर माई प्लेस. Okay, bacho, but then whenever I see students cycling to their school, it gives me a lot of happiness, okay? So, yeah, it is very, very fascinating, you know, getting up in the morning, getting up, wearing those all crisp uniforms, carrying your bag and going to school. So, yeah, that, you know, that gives a really nice feeling if you are doing your things your way and aap cycle chala ke school jaate ho. I could never get a chance as a child. But then a big thumbs up to those who actually cycle to their school, okay? But then, jo cycle se jaate hain, but there are few who even walk to their school, right? So, aapke man mein ye to thought aate hi hoga na, ki jo cycle se ja raha hai, wo faster hai, jo walk karke ja raha hai, wo slow hai. But then, distance dono ka same hai, right? Let us say, for example, we talk about your school, okay? ठीक है, डिस्टेंस कितना है, लेट अस से द डिस्टेंस इज डी. आपका जो फ्रेंड है वो साइकिल से जाता है, तो लेट से टाइम टेकन विद साइकिलिंग एंड दिस इज टाइम टेकन विद वॉकिंग. ओके, स्मॉल टी इज टेलिंग अबाउट द टाइम और किस तरह से ये कर रहा है, दे साइकिल एंड दे वॉक, राइट. सो दिस इज द टाइम. फॉर एग्जाम्पल, ओप्स,
Okay, so I'm kind of, so I'm still navigating with the pen tab I'm using. Okay, so yeah, let's go ahead and solve these questions. बच्चो अभी फिजिक्स को बहुत अच्छे से आप लोग समझिए. हम आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए साथ में चलूँ, सो दैट जब आप हायर क्लासेस में जाओ तो फिजिक्स स्टिल रिमेन्स अ केक वॉक फॉर यू. आई बिलीव जिन जिनको फिजिक्स से डर लगता है अब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, बट आपको बस क्या करना है, केयरफुली सुनना है क्लासेस को. ठीक है, बस आप ध्यान से सुनिए क्लास में जो डिस्कस हो रहा है, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि आपका भी आप ये देखिए कि आपके नेक्स्ट क्लास में क्या है, तो आप उसको कभी थोड़ा पहले से भी पढ़ लीजिए. अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे तो भी कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो साथ के साथ आई विल एक्सप्लेन. ओके, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप किसी भी एजुकेटर के साथ उसको पढ़ रहे हैं, आप कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो मेक श्योर टू गेट बैक मे बी द नेक्स्ट डे और सो, बट इट इज़ गुड. अगर आपने अभी क्लास फिनिश की, लेट से फॉर एग्जाम्पल आप क्लास एंड एट 5:30, राइट, सो प्लीज़ मेक श्योर यू एटलीस्ट रीड दैट थिंग अराउंड 7 और समथिंग. थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं आप प्लीज़ गो थ्रू योर बुक, सो दैट आपको पता चले हाउ मच यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड. ठीक है, सो दैट यू फाइंड योर सेल्फ इन अ बेटर पोजिशन टू आस्क क्वेश्चन. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू आस्क क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि आप जितने क्वेश्चंस पूछोगे ना उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. एंड द थिंग इज आप जितनी बार एक टॉपिक को पढ़ोगे, लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने अगर पहली बार पढ़ा, पहली बार में आपको बहुत चीज़ें इतने अच्छे से समझ नहीं आ रही हैं, बट देन इफ यू रीड इट ऑल ओवर अगेन आपको वो और भी अच्छे से समझ में आएंगी. सो इट इज़ ऑलवेज देयर, राइट, इफ यू रीड फ्यू थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, सो एवरी टाइम यू रीड इट यू गेट अ न्यू आइडिया अबाउट इट. ओके, देखिए मैंने आपको ओके वेयर वी गोइंग. देखिए मैंने आपको ये बता दिया है वेयर वी गोइंग. नो 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 नो, आई वाज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, आई एम सो सॉरी. ऑलराइट, देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि हमें ये कैलकुलेट करना था मेजर, राइट, वी मेजर द टाइम. लेट्स से आपने वॉच लगाया, अगर आपका दोस्त जो साइकिल से जा रहा है, आई दिस साइकिलिंग लाइक रियली फैसिनेट मी, लेट्स सी दे टेक 25 मिनट्स टू साइकिल टू स्कूल, और आपको क्या लगता है आपको 45 मिनट्स लगते हैं स्कूल जाने में इफ यू वॉक. ठीक है, अगर आप साइकिल करते हो तो इन दोनों में से फास्ट कौन सा हुआ जिसने कम टाइम में कवर किया, राइट, सो दिस इज द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, दिस इज अ लिटिल स्लोअर. ऑलराइट, आई होप आई एम एबल टू राइट इट वेल, आई एम सो सॉरी. ओके, लेट्स गो अहेड. अब देखिए बच्चों आप मेजर कैसे करते हैं स्पीड को, और एक एनसीईआरटी में देखिए कि एग्जाम्पल दिया जाता है एक हमें. अब बच्चों आपको ये सीखना पड़ेगा, आई मीन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर, कि हम ग्राफ के थ्रू कैसे स्पीड को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, बेसिकली ग्राफ क्या होता है, कुछ डेटा सेट को एक्सप्रेस करने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, राइट, तो दिस इज अ लीनियर वे. अगर आपने अक्सर देखा होगा, यू मस्ट हैव हैड सीन दिस, यू नो, तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सा ग्राफ है, कौन सा चार्ट है भाई बच्चों, ये ध्यान से देख के बताइए, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट. पाई चार्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक द यमी यमी पाई. Let me make a good pie. How many of you like pie? Please comment section में बताइए. So I am really trying to up my game of sketching here. All right. So I hope
यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वे. देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. अब ये मैंने ये चीज ब्लैंक छोड़ी है. लेट्स से दिस इज अ सर्टेन परसेंट ऑफ, लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉट दैट यू फॉलो इन योर स्कूल. दिस इज क्रिकेट, दिस इज बास्केटबॉल, these are the one who watch, I mean play, don't just watch, play kids. सिर्फ देखने से नहीं, खेलना भी चाहिए, active होना चाहिए, all right? देखिए इतना क्या, ये क्या है, these are the hockey playing students, these are the football. So basically what we do is, एक picture के form में हम किसी डेटा को एक्सप्रेस करते हैं, राइट. लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिकेट 50 बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे 48 बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ये थोड़ा से ज्यादा है, तो लेट्स से 53 आर प्लेइंग हॉकी एंड दिस कुड बी अराउंड 65, दोज़ हू आर प्लेइंग फुटबॉल एंड अगेन लेट अस से दिस इज 55. तो इस डेटा सेट को न्यूमेरिकली ना एक्सप्रेस करके व्हाट वी डू, वी यूज ग्राफ टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर डेटा. देखिए बच्चों अब इसी तरह हम लोग स्पीड और टाइम को एक डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है. सो देखिए ये अगर आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट अ ग्राफ लुक्स लाइक, राइट. सो दिस इज अ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट व्हेन यू गेट इन हायर क्लासेस यू विल गेट टू नो देयर इज अ जेड एक्सिस, ओके. सो बट हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट two axes, ठीक है. So we are just going to discuss things around y and, ठीक है. यहाँ पे हम क्या प्लॉट करते हैं, देखिए टाइम ये सेकेंड में है, तो ये एक गैप है, तो दिस गैप टेल्स अस अबाउट अगेन 0 to 5, 5 to 10, अगेन इट इज 5, 10 to 15, तो दिस इंटरवेल इज सेम, ठीक है. आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. जिन जिन को डाउट हो रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते चलिए बच्चों. ऑलराइट, अगेन देखिए एंड इट कुड बी 30, 35, 40, सो ऑन. ऑलराइट, देखिए अब यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर कार के मोशन को, जैसे लेट्स फॉर सी एग्जांपल एक कार के मोशन को डिस्कस करते हैं कि 0 to 5 में इट मूव. Oops, wait. It has moved. 5 seconds mein it has moved for 10 meters. Then again 5 meters mein it has moved 20. So dekhiye aap ye yahan dhyan se dekhiye, yahan pe bhi jo gap aa raha hai wo same hai, right? 10 ka difference aa raha hai. But then graph pe this can differ. Okay? Ab dekhiye jaise ye 15 hai, यहाँ पे जैसे कि हम एक क्या हमेशा ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वी ड्रॉप इट ऑन दी अनदर एक्सिस, ठीक है. अब 20 टाइम को अगर हमें देखना है कि जो ये 20 सेकेंड का टाइम है वहाँ पे डिस्टेंस कितना फॉलो हो रहा है, तो देखिए हम लोग कैसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे, ठीक है. देन यू कैन सी कितने टाइम में डिस्टेंस कितना कवर हुआ. अब इसमें हमें डिस्टेंस तो पता चल गई, टाइम भी पता चल गई, सो अब हम क्या मेजर करने वाले थे, स्पीड बच्चों. तो स्पीड क्या हुई, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है. तो अब इस केस में स्पीड क्या हुई हमारी, देखिए 0 to 5 में क्या हुआ, 10/5, ठीक. अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं 5 to 10 में क्या हुआ, टाइम पीरियड कितना था, 5 था, डिस्टेंस क्या था, अगेन 10 था, अगेन इट इज 2 meters per second, राइट. सो अगर हर इंस्टेंट पे स्पीड सेम आती है, सो इसका मतलब क्या होता है, दिस स्ट्रेट लाइन टेल्स इज अ यूनिफॉर्म मोशन. ऑलराइट, ओके. अब आपको कोई पूछे कि एवरेज स्पीड क्या हुई कार की, if we talk about the average speed, okay. So हम जैसे बात करते हैं average speed की, तो हमने आपको previously क्या बताया,
I've already made this so dirty. Let me just clean and make some space here. Right? देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है. टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम टेकन. देखिए बच्चों तो ये यहां से यहां तक का एक टोटल टाइम क्या हुआ, जीरो से लेके 25, राइट. वी आर स्टॉपिंग हियर एट 25. तो टोटल टाइम क्या है 25 सेकेंड. अब टोटल स्पीड क्या है. ओके नॉट अ प्रॉब्लम. आई यूजली मैं हमेशा से व्हाट आई हैव बीन हैबिचुएटेड इनटू कि मैं एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो पहले अपने लिखती हूँ. बट देन यू कैन डू विच एवर वे यू लाइक. ओके देखिए वाई एक्सिस पे इसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया कार ने, 50, राइट. तो क्या आया 2 मीटर पर सेकेंड. देखिए इसमें एवरेज स्पीड और स्पीड क्या हो रही है, सेम है. ठीक है, अक्सर एवरेज स्पीड और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग अलग में डिफरेंट होती है. अगर डिफरेंट टाइम में वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इसमें सेम टाइम गैप पे डिस्टेंस भी सेम टाइम हो रहा है. तो इन दिस केस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर स्पीड दैट वी आर यू नो कैलकुलेटिंग एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस. ऑलराइट अब अच्छा आप ये देख के जल्दी से बताइए मुझे, आपको कंपेयर कैसे कर सकते हो. देखिए सबसे इजी तरीका ये है कि जो टाइम है, टाइम का जो एक्सेस है डिस्टेंस का जो एक्सेस है. ऑलराइट सबसे इजी तरीका ये है कि अगर आपको स्पीड बताना है तो देखिए टाइम की तरफ इफ इट इज लीनिंग टुवर्ड्स टाइम और द एक्स एक्सिस वैल्यू इसकी ज्यादा होगी. ठीक है, अगर ये इसकी तरफ लीन कर रहा है मीनिंग इसकी वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, अब वैल्यू ज्यादा हुई मीनिंग टाइम ज्यादा लगा रहा है, राइट. जहां पे टाइम ज्यादा लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्लो है कि नहीं. अगर आप ज्यादा टाइम लेके कोई काम कर रहे हो तो आपको क्या बोलेंगे, ओ बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या. ओके That was just a silly joke, guys. कोई मन पे मत लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा. कोई स्लो नहीं, कोई फास्ट नहीं. Just be at your pace. जिसको जैसे अच्छा लगता है वो उस स्पीड से पढ़ाई करिए, but then energetic रहिए. Okay, शाम के टाइम. I hope you are following this session all this while. ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से. अब आप जैसे कैलकुलेट इसमें जब करने जाते हैं, राइट, तो आपको पता चलता है कि देखिए 10 सेकेंड में इट हैज जस्ट मूव टिल हियर, राइट. 5, 5, 25, 50, सो दिस कुड बी अराउंड 5, राइट. सो इफ यू डिवाइड 5 बाय 10 इट इज जस्ट 2.5. इसके लिए अगर इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो ठीक है, जल्दी से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. चलिए हम लोग पहले वाले के लिए लेते हैं. लेट अस मार्क इट एज 1, लेट अस मार्क इट एज 2, लेट अस मार्क इट एज 3. तो जल्दी से फर्स्ट की हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं. 0 टू 10 सेकेंड्स में क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ध्यान से देखिए, दिस लुक्स लाइक इफ वी प्लॉट अ पेन परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, ठीक है. सो दिस इज अराउंड 5, ठीक है. इसने 5 मीटर्स कवर किया कितने में, 10 सेकेंड्स में. तो इसकी स्पीड क्या आई, 0.5 मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट अब सेकेंड के लिए हम बात करते हैं, ठीक है. ये मैं बस आपको प्रूफ बता रही हूँ साथ के साथ कैसे होता है, बट आप इतना यह ध्यान रखिए ये जो लाइन है, सी इफ इट इज लाइन, इफ लाइन इज यू नो बेंडिंग टूवर्ड्स द वाई एक्सिस, द वैल्यू दैट इज देयर ऑन द वाई एक्सिस विल बी हायर. ओके, कि अगर इसके साथ है, अगर देखिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है दैट मींस उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है. तो आप बस इतना ध्यान रखिए अगर आपको सिर्फ देख के बताना है, बट देन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट ग्राफ को देख के आराम से कर सकते हैं, ठीक है. सेकंड बॉडी के लिए जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज, दीज आर 3 कार्स, ऑलराइट. तो सेकंड के लिए आप देखिए 0 टू 10 में हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर. 0 टू 10 ये टाइम हम सब में सेम लेके चल रहे हैं, ठीक है.
जीरो टू टेन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 25 मीटर अपॉन 10, कितना आया 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड को देखिए, इन्होंने 10 पे कितना कर लिया, 0 to 10 seconds में 50 upon 10, सो इट कम्स टू 5 meter per second। ठीक है बच्चों, नाउ यू कैन जस्ट क्लियरली लुक एट दिस ग्राफ एंड देन यू कैन कंपेयर द वैल्यूज, देन वी कैन से, आई जस्ट क्विकली राइट इट हियर, ऑर्डर ऑफ स्पीड। आई थिंक अगर किसी तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ऑर्डर ऑफ स्पीड क्या हुई, 3 is greater than 2, 2 is greater than 1, और इसमें से फास्टेस्ट कौन सा हुआ, 3। ऑलराइट, 3 इज द फास्टेस्ट। सिर्फ आपने देख के नहीं बताया, आपने एक्चुअल उसकी स्पीड कैलकुलेट की, सो दिस इज द हाईएस्ट स्पीड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, थोड़ी सी क्वेश्चंस और आज के सेशन में हम लोग करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। देखिए बच्चों, अब आपको एक जैसे ये ग्राफ से ये बताना है, देखिए वहां पे टाइम हमने सेकंड्स में एक्सप्रेस किया था। ठीक है, तो आपको एग्जाम में और या किसी भी प्रॉब्लम में आपको टाइम अलग अलग तरह से एक्सप्रेस किया मिल सकता है, राइट। आपको देखिए सेकंड्स में मिल सकता है, मिनट्स में मिल सकता है, आवर में मिल सकता है, और कभी कभी एएम पीएम के फॉर्म में दिया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो बस आपको करना कि कुछ नहीं होता है, 9 AM to 10 AM कितना डिफरेंस आया, 1 आवर। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट नाइसली। अब 10 AM to 11 AM के बीच में कितना है, 1 आवर, राइट। 10 to 12 कितना है, आई मीन 11 to 12 कितना है, 1 आवर। अगेन इट इज जस्ट 1 आवर। अभी आपको कोई कहे कि अब इसको सेकंड्स में कैसे करना है, तो 60 मिनट्स, देन 6 seconds, राइट। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू मल्टीप्लाई, ओके, अगर सेकंड्स में जाना है तो, एंड देन मिनट्स में रहना है, आवर्स का तो ये आपको दिखा ही हुआ है, राइट। तो देखिए, हु लेफ्ट फर्स्ट, हु अराइव फर्स्ट, लेफ्ट फर्स्ट। अगर आप इस डायग्राम से देखें तो दिस particular, let's say this thick line represent a cyclist. Again, cyclist. I have never cycled much, but as a child I used to love cycle. Okay, I could never go to my school using the cycle, but I used to, you know, take it around the parks and the surroundings. That's it. So that really makes me happy. Okay, dekhte hain. Dekhiye, aapko kya dekhna hai, agar aapko kuch question aata hai ki who left first. ठीक है, लेफ्ट फर्स्ट क्या है, लेफ्ट फर्स्ट मीनिंग हमको उसका स्टार्टिंग का टाइम देखना है। तो द थिक लाइन रिप्रेजेंट्स द साइक्लिस्ट, यू कुड से द साइक्लिस्ट लेफ्ट फर्स्ट। ठीक है, हु अराइव्ड फर्स्ट, तो पहला कौन पहुंचा भाई, ये ध्यान से देखिए, साइक्लिस्ट कब पहुंच रहा है, 2 PM पे पहुंच रहा है, और लेट्स से 1 PM और 40, ओके 1, हाउ विल यू कैन से 120 और समथिंग, let's say, and then who arrived first, पहले कौन पहुंच गया, मोटरसाइकिलिस्ट। इरिस्पेक्टिव उसने बाद में अपनी जर्नी स्टार्ट की, लेकिन पहले पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ, मोटरिस्ट इज फास्टर देन द साइकिलिस्ट। ठीक है, सो बच्चों आप लोग ये ग्राफ को देख के बहुत सारी चीजें बता सकते हो कि किसने जर्नी पहले स्टार्ट की, किसने जर्नी पहले कवर करी, कौन फास्ट था, कौन स्लो था, किसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। सो ग्राफ से, अगर आप प्रॉब्लम में आपको फिगर्स नहीं दे रहे हैं, अगर आपकी सिर्फ ग्राफ के बेसिस पे हम बात करते हैं, तो ग्राफ कैन टेल यू अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, व्हाट टाइम डिड द मोटरिस्ट पास द साइकिल, अब पास कब किसने किया, ये देखिए जहाँ पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है, जहाँ इंटरसेक्शन हुआ तो देखिए हम एक ना यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो देखिए ये अप्रॉक्स 1 पीएम टू 2 पीएम के अप्रॉक्स ये क्या आ रहा है, 115, लेट से फॉर एग्जांपल कि 1.15 पीएम पे दे क्रॉस्ड। अब देखिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, टोटल डिस्टेंस क्या है अपॉन, सॉरी डू इट अगेन,
Okay. Hello, my pen. Please stay nice. I'm teaching these super cute kids. Okay, average speed formula क्या होता है? Average speed, total distance, total time taken. ठीक है? देखिए हम किसकी बातें करते हैं पहले? Let's say साइकिलिस्ट की बातें करते हैं. साइकिलिस्ट ने कब से स्टार्ट किया? 9 am से लेके 2 pm तक. 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour. इन्होंने टोटल टाइम कितना लिया? 5 hour. All right? और इन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 2 towns. Is 80. ठीक है? अब हम लोग बात क्या करते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं. ये मैंने किसका था? साइकिलिस्ट का. Then let's talk about the और दे टुक अराउंड 11 से 2, तो कितने आवर्स इसने लिए? 2 आवर्स, राइट? 2 किलोमीटर पर आवर. ये कितना आएगा बच्चों? जल्दी से बताइए कितना आएगा. जल्दी 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 आंसर्स करिए आप कमेंट सेक्शन में. आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हो कि नहीं, कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं. ठीक है, देखिए अब नाउ यू कैन ऑलरेडी सी. आपने इससे बता दिया कि कौन पहले पहुंच रहा है, कौन बाद में पहुंच रहा है. इससे भी आप उनकी स्पीड को आप मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं. बट सिर्फ प्रिडिक्शन से काम नहीं चलता है. वी ऑलवेज टॉक अबाउट एक्चुअल वैल्यूज, राइट? तो मोटरिस्ट की स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर. साइकिलिस्ट वॉज ट्रैवलिंग एट 16 किलोमीटर पर आवर. तो यू कैन सी सो मेनी पैरामीटर्स फ्रॉम जस्ट वन ग्राफ. ओके, तो आई होप को कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी कि आप कैसे चीजें कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों. ऑलराइट, चलिए आगे एक और क्वेश्चन है. एक लेट अस से फॉर एग्जांपल अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर फॉर 15 मिनट्स एंड विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन नेक्स्ट 15 मिनट्स. ओके, सो अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, राइट? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. और डिस्टेंस का टाइम फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम. अब देखिए यहाँ पे स्पीड कितनी है. ओके, लेट मी चेक माय कमेंट्स, आई कीप इट हियर. देखिए आपको क्या निकालना है, इसमें डिस्टेंस कवर भी पूछ सकते हैं, इसमें एवरेज स्पीड भी पूछ सकते हैं. तो आप एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हो? एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? सम टोटल करते हैं और जितना जितनी वैल्यूज होती हैं उनसे डिवाइड करते हैं. 40 प्लस 60 अपॉन 2. मैं यहाँ कुछ गलती कर रही हूँ बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं क्या गलती करी. मुझे लग रहा है कि मैं शायद कुछ गलती कर रही हूँ. ठीक है, देखिए ये आ गया है हमारी एवरेज स्पीड, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर. क्या ये मैं गलत कर रही हूँ बच्चों? आई एम नॉट टू श्योर इफ आई एम जस्ट डूइंग द राइट वे. प्लीज ड्रॉप इन द कॉमेंट सेक्शन और मुझे बताइए कि मैं सही कैलकुलेट कर रही हूँ या नहीं. देखिए अब आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब टोटल टाइम इसमें कितना है? 15 एंड प्लस 15. अब आपको क्या करना है? टोटल डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, 40 इनटू 15. ठीक है, प्लस इनटू 15. सो ये क्या हो जाता है बच्चों? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए. देखिए 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 कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों क्या हो रहा है. ओके, आई एम जस्ट रीडिंग योर कॉमेंट्स. ठीक है, टोटल डिस्टेंस हम कैसे बताएंगे? जो जितना डिस्टेंस इस कार ने इस स्पीड से ट्रैवल किया, इसने किया, तो कितना हुआ ये?
600 आया, एंड देन ये कितना आएगा 65 का 30 का जीरो हियर, कैरी ओवर्स 3, 6, 9, ठीक है. तो टोटल कितना होता है 600 प्लस 900 कितना आया, ऑल राइट. सो दिस इज आवर आंसर. अब देखिए ये तो हमने एक क्या किया है, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया. अगर हम इसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो देन वी विल गेट द एवरेज स्पीड 15 प्लस 15 30. ओके बच्चों, देन वी कैन फाइंड द स्पीड, बट आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्टेंस कवर्ड निकालना है. ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि फास्ट और स्लो क्या है. देखिए बस आपको कुछ नहीं देखना है, जो एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा झुका है और जो वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा झुका है, मीनिंग जो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, राइट. चलिए किसी पर्टिकुलर टाइम पे देख के बात करते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे बात करते हैं और दोनों को प्लॉट करते हैं, ठीक है. अब देखिए इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, ये इसने एक्स किया, x तो नहीं आई शुड से बिकॉज दिस इज अनदर x एक्सिस, ओके, बट देन इट इज नॉट मार्क, आई कैन यूज x. अब इसने कितना किया, ये टोटल x है तो इसने अप्रोक्स कितना किया, x/2, राइट. सो जब अगर इसने डिस्टेंस कम ट्रैवल किया b ने, फॉर एग्जांपल अ b हैज ट्रैवल x/2 डिस्टेंस एंड a हैज ट्रैवल्ड x डिस्टेंस, राइट. सो जितना आपको मालूम है ना कि जिसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया वो क्या होता है, फास्ट एंड स्लो, ठीक है. आप देखिए कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं, बट सिंपली अगर आप ग्राफ को देखें, इफ यू कैन सी द लाइन, इफ इट इज टुवर्ड्स द वाई एक्सिस व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस, दैट मींस डिस्टेंस विल बी मोर, सो हेंस स्पीड विल बी मोर, ठीक है. अब आपको ऐसे ही देखना है कि स्लो कौन है, तो जिसको टाइम ज्यादा लग रहा है, यहाँ टाइम ज्यादा है, ठीक है, कि टाइम की ग्राफ टाइम की एक्सिस की तरफ ज्यादा है, तो यू कैन जस्ट सिंपली से दिस इज एंड फास्ट. This is for just quick question, but then हमेशा ऐसे questions नहीं मिलेंगे आपको, कुछ values भी मिलेंगी where you can calculate. ठीक है, अब जल्दी से देखिए एक ये questions इस तरह से भी आपको मिल सकते हैं कि formulas पूछते हैं, right? So speed is equals to distance into time. Is it this formula for speed? Comment section में बताइए. और speed is equals to distance upon time. ये देखिए, अब speed is equals to time upon distance. क्या ये है आंसर, और क्या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/स्पीड इनटू टाइम. वी कैन एक्सप्रेस इट बाय अ डॉट और वी कैन जस्ट सिंपली राइट, ओके, आई कैन जस्ट आई शुड राइट इट नाइसली, ओके. सो डिस्टेंस इज 1/स्पीड इनटू टाइम, ऑलराइट. देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए बच्चों. देखिए तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमेशा याद रखना है, ऑल राइट. तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए एनसीईआरटी से, थोड़े से और रहते हैं. शो द शेप फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस, अ कार मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, अ कार पार्क्ड ऑन द साइड रोड, ठीक है. अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे करना है, जब हम लोग मोशन के बारे में बात करते हैं तो मोशन में हम लोग क्या सबसे पहले सोचते हैं, डिस्टेंस, है ना. अगर कुछ मूव किया, मोशन में क्या होता है, मूवमेंट होता है, मूवमेंट से क्या होता है, कोई बॉडी एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करती है, लेकिन हमेशा आप एक क्या डिफाइन करते हो, एक सर्टेन टाइम फ्रेम में. तो हमारे दो पैरामीटर्स क्या हुए, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है बच्चों. आपको ग्राफ क्या बनाना है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, ठीक है. आई शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर बिकॉज आई शुड गेट सम स्पेस फॉर द सेकंड पॉइंट आल्सो, ऑलराइट. देखिए ध्यान से देखिए, एक एक्सिस पे वी आर टेकिंग, लेट अस से आई होप आई मेक अ स्ट्रेट लाइन, नॉट टू, ओके, नॉट टू बैड एन अटेम्प्ट, व्हाट से, ठीक है. ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है. किसी मोशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. कांस्टेंट स्पीड मतलब जो उसकी स्पीड है हर इंस्टेंट पे सेम है,
जैसे कि आपने पहला एग्जाम्पल देखा था, देखिए बच्चों, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी, सेम टाइम में उसने डिस्टेंस भी उतना ही ट्रैवल किया, राइट? तो वी कैन जस्ट सिंपली से दिस रिप्रेजेंट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। और जब हम लोग बात करते हैं कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड, इसमें क्या है, टाइम तो बढ़ रहा है बच्चों, लेकिन लेट अस से डिस्टेंस क्या हुआ। अगर मान लीजिए, देखिए इस केस में क्या होता है, टाइम बढ़ता है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होती है, डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। सो व्हाट हैपेंस इज इट इज जस्ट अ पैरेलल लाइन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, ठीक है? ओके, will you be able to remember all of this? Time, this is distance, this is time. So this is how we represent graphically. All right, so let's move ahead. अब देखिए एक एक और क्वेश्चन है ये, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पीरियोडिक मोशन। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि वन पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। ऑसिलेशन जैसे कि हम क्या बात करते हैं, देखिए ये एक सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जिसमें ये कि पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, पूरा टू एंड फ्रो मोशन यहां से यहाँ, ठीक है? कि पूरा जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कराया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। अगर 32 सेकेंड्स में 20 ऑसिलेशन कवर करता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल टाइम अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ऑलराइट, देखिए सो ये हमारा क्या है, टोटल टाइम क्या है, 32 सेकेंड्स, एंड देन हमारा ये टाइम कितना हुआ, आई मीन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं। ओके, आई नीड टू लिटिल इजी विद माय पेन, ठीक है? सो दिस कम्स डाउन टू 16 अप upon 10 and it comes to 1.6. So this is the time period of the pendulum. बच्चों आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और यू कैन सी टोटल टाइम एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन, देन यू कैन जस्ट सिंपली डिवाइड एंड गेट दी आंसर। ऑल राइट, देखिए अगेन एक ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57321 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM and the distance moved by the car if it इतना the odometer reading has changed to this unit, ठीक है? अब बच्चों देखिए क्या हुआ, टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हुआ कि नहीं, ये यूनिट को देखिए 7321 से कितना हो जा रहा है, 336, 321 से 336 हो रहा है, ठीक है? इनिशियल कितना था, इनिशियल रीडिंग कितनी थी, T210, फाइनल कितनी थी, अब देखिए चेंज पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप इसको इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या अप्रॉक्स आया, 121, 36, 6 - 1 5, 3 - 2 1, सो ये कितना आता है, 15 किलोमीटर, ठीक है? तो ओडोमीटर मैंने बताया इस इन्होंने 50 किलोमीटर का चेंज आया 20 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन में। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि टाइम एएम पीएम के फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो सकता है, आवर्स के फॉर्म में भी होगा, मीटर होगा, मीन मिनट्स होगा, सेकेंड्स होगा, ठीक है? सो हमारे पास ऑप्शन क्या दिखा रहा है, एएम पीएम के फॉर्म में हो रहा है, राइट? सो 8:30 से 8:50 में 20 मिनट्स हुए, राइट? तो किलोमीटर्स कितने हैं, 15। अब देखिए कितना आ रहा है हमारा ये टाइम, 20, राइट? जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट रीड योर कमेंट्स। अब देखिए स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है,
अब टाइम हमारा कितना है, मिनट्स में है ना? 20 मिनट्स हैं, अब इसको आवर्स में कंप्लीट करना है, ठीक है? तो ये कितना हुआ, आर के फॉर्म में 20 मिनट्स कितने हुए? 2.5, ठीक है? ओके ओके, मैनी ऑफ यू आर ज्वाइनिंग, ठीक है? देखिए एक्सप्रेस स्पीड ड्यूरिंग दिस टाइम, तो टोटल टाइम हमारा कितना था, 20 था, ठीक है? अगर जब हम पहले से कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, मैं एक बार ही आपको फिर से बताती हूँ बच्चों। जस्ट अ सेकेंड, आई एम हैविंग सम कमेंट्स हियर, लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, अब आपको स्पीड कैसे कैलकुलेट करना होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दैट्स इट। डिस्टेंस कितना था और ये कितना होता है, 1/3 of an hour, ठीक है? तो 15 × 3, दिस इज 45 किलोमीटर पर आर, ऑलराइट, दैट्स इट। देखिए, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल। इफ द बाइसिकल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन आर हाउस एंड द स्कूल। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब आपकी मिनट्स हैं और अब ये सेकेंड्स हैं, तो 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स, 15 मिनट्स में कितने होंगे, 15 × 60, राइट? हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन, देखिए ये क्या हुआ। हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, व्हाट ऑफ द कमेंट्स, अब ये क्या होता है, पहले हम इसको क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, देखिए डिस्टेंस बिटवीन आर हाउस एंड द स्कूल विल बी स्पीड इंटू, अब आपकी स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड, और इन्होंने टाइम कितना लिया, 15। अब 15 को हम सेकेंड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो जस्ट अ सेकेंड, देखिए ओके, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, ओप्सी, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट वॉचिंग योर कॉमेंट्स। All right, some of you are replying here. Just a second. Okay. I guess, is there some wrong? Just a second, much. Okay. देखिए आपको कन्वर्जन स्पीड का मैं बताती हूँ साथ के साथ, सब लोग पढ़ते रहिए। देखिए 20, दिस इज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, आई डू दिस। देखिए देखिए देखिए,
तो बस इसमें भी आपको सिंपली क्या करना है, ये आपको छोटा सा एक्टिविटी मैंने दिया है, ठीक है, तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो हमारा स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, हमारा टाइम क्या है 15, लेकिन 15 हमें ये ध्यान रखना है ये 15 मिनट्स है बच्चों, राइट, सो आपको 15 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में, ठीक है, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, तो 15 में कितने होंगे, अगेन इट विल बी 5 into 6, ठीक है, 2 into 15 into 3, that's it. और क्या करना है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हम लोग स्पीड को कन्वर्ट कैसे करते हैं. बच्चों देखिए स्पीड को जैसे कि अक्सर आप क्वेश्चन में देखोगे मीटर पर सेकंड से आपको क्या करना होता है, किलोमीटर पर आवर में. ऑलराइट, देखिए अभी मैं क्या बताती हूँ कि 1 मीटर क्या हुआ, लेट मी जस्ट, ओके आई शुड गो द ऑपोजिट वे, ठीक है, देखिए 1 किलोमीटर इज ऑफ 1000 मीटर, ठीक है, अब देखिए फिर 1 मीटर कितना हुआ, 1000 ऑफ अ किलोमीटर, ठीक है, सेम वे 1 सेकेंड, देखिए 1 सेकेंड, 1 मिनट, ओके लेट्स से, ओके आई जस्ट सिंपली टेल यू आवर्स मिनट एंड सेकेंड, ठीक है, आवर्स से अगर आपको मिनट में जाना है तो आई आर यू नॉट वर्किंग डियर पेन, देखिए 1 आवर हैज 60 मिनट्स एंड 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स, देयरफॉर 1 आवर विल हैव हाउ मेनी 60 into 60, सो इन द सेम वे 1 आवर हैज 3600 सेकेंड्स, सो इन द सेम वे इफ यू हैव टू कैलकुलेट 1 सेकेंड विल बी इक्विवेलेंट टू 1/r. ऑलराइट, देखिए तो 1 सेकेंड की आपने वैल्यू ऐसे करके बताई ये होती है, और 1 की, राइट, जब आपको इसको कन्वर्ट करना होता है 1 मीटर पर सेकेंड को, तो आप क्या डिवाइड करते हो 1 को, सी दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई, राइट, सो इट कम्स टू 3600, ये देखिए ये यहाँ यहाँ से कैंसिल हो जाता है, दिस विल, ओके सो व्हाट इट गोज इट 1000/360, it comes to 3600/1000, that comes to 18/5, so 1 meter per second comes to 18 kilometer per hour. बच्चों देखिए आप हर बार जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये बड़े बड़े यूनिट से आपको डील ना करना पड़े, थाउजेंड एंड 3600, सो ये सब आपको ना करना पड़े, सो बेसिकली वॉट वी यूजली डू कि इस फ्रैक्शन को हम फॉलो करते हैं, जो 3600/1000 that comes to 18/5. तो इस फ्रैक्शन को आप हमेशा याद रखो अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना है, तो क्या करना है 18/5 से मल्टीप्लाई करना है. अब यही अगर इस तरफ जाना है तो ये फ्रैक्शन को क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, तो 5/18, जल्दी से देखिए आगे, देखिए सेम वे अगर आपको किलोमीटर पर आवर से 1 मीटर पर सेकेंड पे जाना है, सो आपको क्या करना होता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर, तो आपको ये बीच के कैलकुलेशन याद नहीं रखने हैं, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, ठीक है, बहुत सिंपल है ये स्पीड कन्वर्जन, जल्दी से देख लीजिए. अब देखिए इसमें क्वेश्चन आया 20 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना था, तो आपने क्या करना है 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए करना है कि नहीं मल्टीप्लाई, देखिए आप क्या करोगे 20 into 18/5, 5 4 28 4 Let me see your comments.
ओके तो 18 इंटू दिस इज 72, ठीक है 72 किलोमीटर पर आवर। ओके अब देखिए इन द सेम वे 10 इंटू 18 अपॉन 5 कितना हुआ 36 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी है, बस आपको ये फ्रैक्शंस को याद रखना है कि आपको अगर इधर से इधर जाना है तो क्या करना है और इधर से इधर जाना है तो क्या करना है। अब देखिए सेम वे 54 इंटू, अब देखिए आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड पे आना है तो मैंने क्या बताया था इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है इंटू 5/18 इट कम्स टू दिस एंड इट कम्स टू 3 एंड देन 5 3 50 मीटर पर सेकेंड। अब इन द सेम वे 120 इंटू मीटर पर सेकेंड आपको क्या करना है 120 इंटू 5/18 सो इट कम्स टू अराउंड 6 to 12 टू दिस इज अराउंड 18 एंड देन 2 3 इट कम्स टू अराउंड 33.33, ठीक है 300 अराउंड ओके ओके 9 एंड देन यस 33 मीटर पर, ठीक है सॉरी आई शुड हैव स्क्रिबल दिस माय आई नो शुड आई हैव डन दिस विद माय आंसर ओके मीटर पर सेकंड। बस इतना याद रखना है कन्वर्जन का, मीटर से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए एक और ये क्वेश्चन है कि अ बस गोज फ्रॉम जयपुर टू बैंगलोर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द जर्नी टेक्स 30 आवर्स, इट रिटर्न्स फ्रॉम बैंगलोर देखिए द बस गोज फ्रॉम जयपुर टू बैंगलोर विद द एवरेज स्पीड ऑफ लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर्स, इट टेक्स 30 आवर्स, इट रिटर्न्स फ्रॉम बैंगलोर ऑन द सेम रोड। देखिए रोड सेम है सो क्या होगा आपका डिस्टेंस तो सेम हो जाएगा, ठीक है ये देखिए ये हो गया। अब ये क्या होता है अब द एवरेज स्पीड ऑन द सेम रोड विद द स्पीड ऑफ इतना, ठीक है अब बोलते हैं एवरेज स्पीड इसको निकालने का, तो अब आपको पहले क्या करना है इसका टाइम निकालना है बच्चों। जस्ट अ सेकंड आई विल रीड दिस कमेंट फर्स्ट। देखिए अगर आपसे कभी कोई एवरेज स्पीड पूछता है ना तो 60 दिया हुआ है, एक दूसरा दिया हुआ है 40, राइट तो 60 प्लस 40 अगर आप 2 करते हो तो इट कम्स टू 100/2 ये 50, तो आपको लगता है क्या कि ये वाला आंसर सही होगा? एवरेज स्पीड दो स्पीड दी हुई है 40 और 60, तो आप कैसे करोगे सोचिए कितना आया 50, ठीक है लेकिन अब एक्चुअली में कितना आएगा यहाँ पे हमें क्या करना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है टोटल टाइम आपका कितना निकालना है हमको पहले सेकंड का भी टाइम निकालना है, ठीक है 30 आवर्स ओके लेट मी जस्ट से हमारा ये कितना 1800 आया एंड देन अगेन 1800 एंड टोटल टाइम आपका कितना लग रहा है 30 आवर्स, बट देन लौटने के टाइम पे कितना लगा इस स्पीड से डिस्टेंस को अगर आप इससे डिवाइड करते हो तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपना डिस्टेंस 1800 था हमारी स्पीड इतनी थी राइट सो इट कम्स टू 45, सो 1836 36 अपॉन
4375, so it almost comes down to 5, if I don't know, if I, it comes to around, let's say approx 48. ठीक है बच्चों, अब आप देखिए आपने जो ये कैबरेज स्पीड कैलकुलेट करी ये क्या आई आपकी 50 और हमारी क्या आई 40. तो आप देख रहे हैं ना कि इसमें दो का फर्क आ रहा है, राइट. सो हमेशा एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन से. अब टाइम आपने इसमें सेकेंड पार्ट में कैसे निकाला था, टोटल ये जो एक डिस्टेंस तो जयपुर और बैंगलोर के बीच में सेम ही रहना है ना, तो 1800 डिवाइडेड बाय 40 आपने किया. सो दिस इज हाउ यू गो. आप दो स्पीड का डायरेक्ट एवरेज नहीं निकालते हैं, ठीक है. अब देखिए 240 किलोमीटर इतना एंड द रिमेनिंग एट इतना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है. अब देखिए ये इतना है, तो अब आपको यहाँ पे टाइम क्या निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपना 240 ठीक है 360 रिमेनिंग 360 अब डिवाइडेड बाय 90.4 7 ऑलराइट. टोटल डिस्टेंस आपका कितना आ रहा है, देखिए 240 प्लस 360 600 इज अराउंड 33. ऑलराइट. अब देखिए एक ही और क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इतना इतना एंड इतना एंड इतना, फाइंड द एवरेज स्पीड. अब टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम यहां तो सब अलग अलग दिए हुए हैं, तो 16 प्लस 16 32 और टाइम कितना है, तो 4 प्लस 2 6, तो ये क्या आया 2 3 जा 2 1 जा 2 6 जा 12, सो दिस इज अराउंड 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है. सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड आई होप यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. ओके, सो वी मीट फॉर टुमॉरोज क्लास एट द सेम टाइम. प्लीज स्टे ट्यून्ड. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.